कंपनी कते आखिर कौन तुम्हें आ रही इसमें क्या लिख रहा रे? मेरे दोस्त सुल्तान को लेटर लिख रहा हूँ। तेरे को लिखना नहीं आता ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पढ़ने नहीं आता। स्टूडेंट्स, तुम लोग आवारे हैं ये मेरे को मालूम, लेकिन किसी भी हालत में इस बार 90% मार्क्स ले आना। नहीं सर, हम लोग 100% कोशिश करते। क्या लाउंडपना कर रहा? पहले कौन शुरू करा? हैदराबाद कौन सी चीजों को फेमस है? एक बोलो बिरयानी सर, वेरी गुड। और एक बोलो, और एक बिरयानी सर। अगर आप इस हंसी के पीछे का राज जानना चाहते हो तो आइए चलिए देखते हैं आज से 3 महीने पहले क्या हुआ। कहाँ जा भाई? अरे मेरे को यहाँ कहीं को बुलाया रे? हैप्पी न्यू ईयर। क्या? हैप्पी बर्थडे। किसकी रे? आपकी। अरे हो, अरे अरे इसमें मेरा नाम भी है। हाँ, मैं आपको गिफ्ट लाया। अरे सभी थैंक यू। क्या है रे ये? देखो, फ्लैप बोर्ड। ये कहीं को? फ्यूचर में मेरे को डायरेक्टर रख के आप पिक्चर निकालते ना, जब काम को आता। जब तक क्या करोगे? घुसन लू अन्ना। सालगिरह मुबारक। अरे यादी थैंक यू अन्ना। थैंक यू रे, मैं भी गिफ्ट लाया अन्ना। क्या है रे ये? ग्रीटिंग कार्ड होगा? नहीं अन्ना, आज शाम में जो तुम पार्टी दे रहे ना, उसके अंदर मेरे को खाने को क्या क्या होना उसका मेनू कार्ड। भुक्कर साले, कभी भी देखो खाने की बात करता। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू रशीद। ये मेरा गिफ्ट भाई, आपको बहुत पसंद आता। ऐसा क्या है रे ये? देखो तो सही। साले औरतों के पीछे जा जाके किसको क्या तोहफा देने की तमीज नहीं है तेरे को। ये साला जाने कहाँ है रे? जरूर मेरे लिए कोई अच्छा तोहफा ला रहा हूंगा। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जानी। सालगिरह मुबारक। जबरदस्त तोहफा है देख मेरे लिए। बेकार मैसेज भाई। तो बोला है क्या भाई? ये देखो। अरे इतनी बड़ी गाड़ी मेरे लिए लाया? थैंक यू रे जानी, सुपर। जज्बाती मत बनो, गाड़ी बिकने वाली है बोल के लेके आया मैं। मेरे को मालूम था तू कुछ ना कुछ ऐसी धंधे करता बोल के। नहीं होना तेरी गाड़ी भाई 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 भाई, भाई। सिर्फ 40,000 में है भाई। अरे 40,000 रुपए किसके पास है रे? एडवांस सिर्फ 5,000 रुपए, बाकी कल उसको पैसे देके पेपर ले लेंगे, गाड़ी अपनी हो जाती। तू पहचानता इसको? अरे बचपन का दोस्त है मेरे। उतेज बोलता वताज। ये ले देख ले। अरे पूरे 5-6 जा पक्का भाई। सालगिरह के दिन क्या इतना सोचते, जान दो आज शाम में पार्टी दे दो भाई। चुप। हाओ जबरदस्त पार्टी होना भाई, नहीं तो मैं जबरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ। तेरी स्टोरी न करे भाई, आज जबरदस्त पार्टी। व्हाट इज दिस? आई कांट बिलीव इट। क्यों, क्या हुआ सर? हैदराबाद के हर पीएस में क्राइम का रेट बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये मुगलपुरा पुलिस स्टेशन की बात ही कुछ और है। लास्ट 3 महीने में सिर्फ 4 केस। क्राइम को इतना अच्छा कंट्रोल करने वाला कौन है वो? इंस्पेक्टर फयाजुद्दीन। फयाजुद्दीन, क्या है उनकी स्पेशलिटी मालूम कीजिए। यस सर। उन्हें रिवार्ड दिया जाएगा। ओके सर, राइट सर।
अमीन साहब है क्या? अमीन साहब हो ना, सोच समझ के बोल रहे हैं। इसमें सोचने की क्या बात है, हमको कंप्लेंट करना है इसलिए अमीन साहब से मिलना है। इस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की हिम्मत कर रहे बोले तो आप यहाँ के नहीं दिख रहे, नए हैं क्या? हाँ नए आए हैं, घर के बाजू वाले हमारे से चुप के लड़ते रहते हैं, उनके ऊपर कंप्लेंट लिखाना है। ओहो, यहाँ कंप्लेंट करने के लिए हिम्मत होना क्या? कंप्लेंट करना एक आम आदमी का हक है, मैं एक सच्चा नागरिक हूँ और मैं कंप्लेंट करके रहूंगा। चीचा तुम्हारे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, काई को आते खाली पीली, चलो जाओ यहाँ से। मैं समझ गया तुम्हारे पूरे नाटक, मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, ऐसे काम बहुत देखा, कैसे कंप्लेंट करना मेरे को मालूम, चलो बेगम। तेरे को अब कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर साहब। यस। एक्सक्यूज मी सर, एंटर विथ योर ओन रिस्क। क्या तो भी है बेगम, एक भदबो ये क्या हो रहा जी, चलो जी जाएंगे, मुझे डर लग रहा है। काई को डर रहे जी, कुछ भी नहीं होता, मैं हूं ना, चलो। अस्सलाम वालेकुम साहब। बैठो। शुक्रिया साहब, बैठो बैठो। सर घर के बाजू वालों से नाक में दम हो रहा साहब, रोज होना बोल के लड़े साहब। अच्छा जो भी है ये पेपर पे लिख के कंप्लेंट दो। साहब इससे पहले कुछ बम फूटे से आवाज आई, कुछ फूटा क्या साहब? ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ हम लोग बम तो क्या हर चीज फोड़ते, आप अपनी कंप्लेंट लिखो। साहब ये पुंगी कौन बजाए साहब? बोला ना ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पुंगिया भी बसते हैं और लुंगिया भी फटते हैं, तुम जो काम पे अपने आए वो काम पहले करिए। साहब चूहा मरने की बुहारी, मेरे को भी वैसी लग रहा साहब। अबे बुड्ढे तू यहाँ कंप्लेंट लिखने आया या मेरे पुलिस स्टेशन का पंचनामा करने आया? रोको साहब, रोको साहब, चलो बेगम, चलो चलो बेगम। सच्चा नागरिक और खाना था। अरे जानी, अरे जानी, ए, अरे उठ रहे। अरे समी, रे, अरे उठ रहे। अरे यादी, अरे रशीद, अरे उठ रहे। अरे उठो रे, रे, अरे उठ। रे 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 रे। भाई भाई भाई, रात में जाते वक्त तो बारह रेस्टोरेंट लिखा हुआ था, अब ये पुलिस स्टेशन दिख रहा? अरे दिख रहा नहीं रे, पुलिस स्टेशन नहीं है वो, क्या कहीं को लेके? अरे मेरे को क्या मालूम रे, महिला है क्या? Mm-hmm.
अरे क्या रे, क्या पास में केमिकल फैक्ट्री है क्या? सलाम साहब, नमस्ते साहब, मेरे को माफ कर दो साहब, मेरे से गलती हो गई, रात में थोड़ी ज्यादा हो गई साहब, इसलिए यहाँ पे आ गया। तुम लोग आया नहीं है रे, रात को तुम लोगों को हम लोग लेके आए रे। जानी तुम बात कर रहे हो, आप लोग लाए कई को रात में, बार के बार कुछ गलती हो गई क्या? नहीं 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 नहीं, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई रे। मगर ये गाड़ी मेरे को पसंद आ गई। यस, कितने में बेचते बोलो? एक मिनट। खाजा भाई, किस्मत तुम्हारे पे बहुत मेहरबान दिख रही। हाँ, तुम खामोश बैठो, मैं बात कर लेता हूँ। अच्छी बात है। देखो साहब, हटो रे। अच्छा भाई, देखो साहब, ये गाड़ी हम लोग खरीदे 160,000 में, वैसे बेचने का तो इरादा नहीं है, अब आपको पसंद आ गए बोले तो 120 में दे देते साहब। इधर आ रहे, स्पॉट पेमेंट करो बोल। और स्पॉट पेमेंट करे तो बोलो साहब, और जो भी करना है जल्दी करो साहब, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी लाइफ है हमारी। अच्छा क्या काम करते हैं आप लोग? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्टेड इंपोर्टेड। ओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत बिजी दिख रहे हैं तुम लोग। बहुत बिजी है साहब। ठीक है, आपकी गाड़ी तो मुझे पसंद आई और आपका रेट भी मुझे पसंद आया। साहब, वो मेरी अम्मा का फोन आया था, अगर पेमेंट करे तो चले जाते हैं। पेमेंट करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे, और ऐसा करेंगे कि तुम लोग याद रखोगे। अच्छा पहले ये बताओ, ये गाड़ी तुम लोग कहां से खरीदे और कब खरीदे? साहब ये गाड़ी इनके बाबा खरीदे, बहुत जमाने से पड़ी हुई है, एंटीक पीस है साहब। हाउ साहब, हाउ साहब, हाउ। अच्छा जमाने से है, तो ये गाड़ी इनकी पुरानी है। हाउ साहब, एंटीक पीस है। आज तो पार्टी पक्की है ना भाई। क्या तू भी देख रहा रे? नहीं, तुम्हारे अब्बा पुलिस में थे क्या? नहीं अम्मा। आजकल चोरा डेवलप हुए बोल के सुना था, मगर इतना डेवलपमेंट कि पुलिस की पेट्रोलिंग की जीप भी मार दिया, वो भी हैदराबाद पुलिस की। वाह, आप लोगों की तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। साहब असल में क्या हुआ बोले तो, तेरी बातें मानने को मैं ऐसा वैसा ऑर्डिनरी पुलिस वाला नहीं हूं, ऐसी डिफरेंट सजा दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, रोएंगे तो आंख से मगर आंसू कहीं और से निकलेंगे। सब इंस्पेक्टर फयाजुद्दीन नाम है मेरा, मेरे बारे में मालूम तेरे को? एक एक करके तुम लोग ये चाबुक लेना और यहाँ आके एक एक करके अपने आप को मान लेना, और ऐसा मान लेना कि उसकी आवाज को वो गिलास फूट जाना। सीधे तरीके से आते या नहीं कि मैं इसका इस्तेमाल करूं। ओए अम्मा,
क्या रे, क्या कर रहा रे? चाबुक मार ले रहा, पाउडर मार ले रहा। ऐसा अगर मार लिया ना, वो गिलास जिंदगी भर नहीं फूटता, समझा? देख रहा क्या? हाँ देख रहा। साहब जरा उधर हटो साहब, घुमा घुमा के मारे तो फूटता साहब, हटो साहब। चल 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 उधर। फुट गया साहब। यस शाबाश साहब, फुट गया साहब। मेरे टेस्ट में तुम लोग कामयाब हो गए। अब मैं तुम्हारे को और एक नई सजा देता हूँ साहब। हमारे से नहीं होता, माफ कर दो साहब। माफ करो? तुम लोगों को माफ नहीं रे, दुनिया से साफ कर देता हूँ। सब ये गाड़ी का चोर साहब। ये गाड़ी बेचा मेरे को। अच्छा तो यही है वो गाड़ी का चोर। इसको अंदर लेके जाओ, इसको एक डिफरेंट सजा देता हूँ। लेके जाओ, मैं डायरेक्शन करता हूँ अंदर। बिना पेपर देखे कि आप लोग गाड़ी कैसा खरीदे? गलतियों के साथ माफ कर दो, आईंदा नहीं होगा साहब ऐसा। दोबारा कभी आपको दिखेंगे नहीं साहब इधर। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि फिर दोबारा आपकी मेरी मुलाकात होगी, रिश्ता कायम रहेगा? नक्को साहब, आपका हमारा रिश्ता नक्को साहब। प्लीज साहब जाने दो साहब, दोबारा नहीं। ठीक है, चलो सोचेंगे, चलो। आदाब, आइए नवाब साहब, आइए ना, धीरे से आइए। दो मिनट रुकिए, घुंघरू बांध ले तुम। कौन सा जाम पियेंगे, कौन सा गाना गाओ, कैसे नाचूं, ऐसे? क्या है निस, ये क्या तमाशा कर रहे हैं तुम घर में? ऐसा तुम अभी भी इसको घर समझ रहे? कोठा नहीं समझ रहे? अरे क्या बात कर रही तुम? क्या बात? बेवक्त आना जाना कोठों में ही चोता, घरों में नहीं होता। हाउ जी, रात भर कहाँ थे? फोन भी बनता, कोई तो भी दूसरा दुकान खोला क्या? दीवाने बात नको करो, कल दोस्त बीमार हो गया था, पूरी रात दवाखाने में था और ऊपर से फोन भी चार्ज नहीं था। अरे इतनी बात को तुम पुकार ले रहे? दोस्त तो से फोन करना नहीं आया? अरे तुम्हारा नंबर याद नहीं है भाई, फोन में फिट है। क्या बोले, मेरा नंबर याद नहीं है? हाँ सही बोले, मेरा नंबर काई को याद रहता, मैं होती कौन? तुम्हारे बहनों का नंबर याद है, तुम्हारे वो चिचोरे दोस्तों का नंबर याद है, उत्ता काई को परसों दो दिन कपड़े धोने वाली नहीं आए तो उसका नंबर बोल के फोन करो बोले। तो ये बड़े 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 लोगों का नंबर याद है, मगर मेरा नंबर याद नहीं है। असल में मैटर कुछ अलग दिख रहा, वो क्या है अब मेरे को मालूम होना, बोलो बोलो। अरे अब बोला इच। ये देख ये ले बाय कट। माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं है। अरे अंधे, पैर आड़ा टेढ़ा रखे उन्हों, लग गया, माफी चाह लिया ना? आड़े टेढ़े पैरा? हाँ। पोलियो के मरीज दिख रहे हो तेरे को, लगड़ा बोल रहा उनको तू? कहीं बात बढ़ा रहा रे खामोश भाई। अरे तुम रुको जी, ऐसा कहीं को घूर के देख रहा खाजा भाई को? क्या बोला उनको? चिंदी चोर बोला? अरे उन्हें कब बोला रे? मुझे बोलना जरूरी है, उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा, ये देखो मुंह में गालियां कहीं को दे रहा रे, मुंह पे बोल। उन्हें बोला कि नहीं बोला कि? लेकिन तू बार बार बोल रहा, बार बार बोल रहा। ठहरो जी, तुम लोगों का मजाक बन गए, आज इन्हें बोला कल वो बच्चे भी बोलते, बोलो रे।
आज ये बच्चे बोले कल पूरा मोहल्ला बोलता, ये समी मोहल्ला लोग ले क्या अच्छी बात। अरे चल रही चल, खाजा वैसे माफी मांग और निकल ले, वरना 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 क्या रे, अब तक नहीं बोला तुम लोगों का मोहल्ला है बोल के, अब बोल रहा हूँ देख, चिंदी चोर चिंदी चोर चिंदी चोर, तुम लोग आप पूरे चिंदी चोर है रे, क्या कर लेता मेरा बोल। क्या हिम्मत है रे तेरी, खाजा भाई के महल में आके उनके पट्टों के सामने उनको चिंदी चोर बोला, उनको बोला तो बोला उनके पट्टों को भी बोला। अरे तू हमारे से कैसे रहा झगड़े को, चल चल तेरी बैगनी क्रिकेट खेल समझ रहा, कान में दम है तो, ये जो बैगन का क्रिकेट बोल रहा ना मेरे साथ खेल के जीत के बता रहे। अरे जा रहे जा क्रिकेट खेलता कहते, क्या समझा रहे अपने आप को और अपनी टीम को, जब ये क्रिकेट खेलते थे ना तुम लोग चड्डिया भी नहीं पहनते थे होंगे, क्रिकेट में इन्हें कौन है मालूम, सॉरी भाई कौन है इन्हें, अरे कौन तो भी है इन्हें, अरे क्या सचिन का कोच है क्या, सहवाग का मामू तो भी है इन्हें, क्या है रे आखिर इन्हें, उन लोगों से भी पहले के क्रिकेटर है ये, जो ग्राउंड में तुम लोग खेलते ना 10 साल पहले सेंचुरियों का रिकॉर्ड था इनका। बनाए रे संचरिया, मेरे को याद नहीं है। अरे तुम बनाए जी मेरे को मालूम, खामोश बैठो। अरे वो ग्राउंड बन के 5 साल भी नहीं हो रहा रे, तू 10 साल पहले खेला बोला ना, क्या तो भी खेला आखिर, तेरे करना क्या है, तू मैच खेलता बोला ना। हाँ खेलता हूँ। अरे एक मिनट, ए हाथा पकड़ो रे, अरे क्या हुआ रे, यहाँ है, अरे क्या हो रहा बोल, अरे मेरे बच्चे के दूध के पैसे है रे वो, अरे जाने चल लग गया आधार की, ये ले मेरे भी 1000। जानी भाई ये आठाने में लगाओ, ये ले 1000 रुपए आठाने की हमारी का चिल्लर, ये मेरे भी आठाने। चल अब हम बता देते, आ जाओ भाई क्या चीज है, लुंगी उठा के मारता हूं। अरे साले छोड़। चल ठीक है लग गई, आ जा ग्राउंड में देख लेंगे। चल एक मिनट आओ जी, ए हाथ छोड़ रहे नहीं नहीं आ जाओ। क्रिकेट खेलने आए या गिल्ली डंडा खेलने आए, खिलाड़ी आते सिर्फ 5 लोग आए। अबे गेंडे अगर हम खेलना शुरू करें ना तो गिल्ली डांडुल क्या, तेरे को हर खेल याद दिला देते। आहा उताज बोलता वताज। समी गिल्ली डांडुल में पैड़ा बनते रे, गिल्ली डंडुल में पैड़ा नहीं जी गाड़ा बनते, नहीं तो मेन आइटम फूट जाते ना। अरे जानी बाकी के 6 पिलाना कहा है रे, तू लाता बोला था ना, अब तक तो आ जाना चाहिए था जी, सालों को ऑटो का किराया भी दे के आया, वो देखो आ गए। खाली छक्के मारता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। क्रिकेट प्लेयर है रे लोग, क्या स्क्रैप की दुकान तोड़ा के लाया, अरे साले एक भी फिटिंग सही नहीं है, पूरे के पूरे चाइनीज माल दिख रहे हैं। अरे क्या समझे तुम इन लोगों को, समझ देगा क्या बैगन, देखे तो मालूम नहीं होता ये लोग खेलने नहीं खाने को आए। वाह क्या पहचाने हो साथ, मैच के बाद खाना खिला तो मिल गया इन लोगों को साले तेरी को। अरे भाई इनके जिस्म पे मत जाओ, इनके हौसले देखो, माना कि इनका जिस्म थोड़ा कमजोर है लेकिन हौसले बहुत बुलंद है उस्ताद। अब ये लोग हौसला पकड़ेंगे क्या बैट बॉल, अरे ये कुछ भी पकड़ने दो अपने क्या करना है, मगर देखना आज इन लोगों की फाड़ देंगे। अरे लोग खुद पहले फटे हुए रे, ये लोग क्या फाड़ते कमीने। अबे रुक, अबे वो सिंगल टायर की साइकिल, काई को ऐसे वैसे हरकत ना कर रहा, सीधे से खड़े हो जा, नहीं तो है तो टायर भी पंचर हो जाएगा। तुम लोग से क्रिकेट नहीं WWF खेलना। चिड़ा साले चिड़ा, अब देखना मैच में तुम्हारी फाड़ देंगे। ऐसा अच्छा चलो वो भी देख लेंगे।
देख ले। अरे जानी वो लोगों को देखे तो डर लग रहा है, साले क्या कर देगी क्या नहीं की। अरे तुम उन लोगों को मत देखो जी, खेल जीतने के लिए हम दोनों ही काफी है। अच्छी फील्डिंग होना, अच्छी बैटिंग होना, मैच जीतना है, ठीक है। चलो यादी तू कीपिंग कर ले। अब ओपनर बॉलर कौन है? ये है अपना फास्ट बॉलर, पकड़ पट्टे। अरे इसको दो चुंगिया है ना, अरे बाकी के तीन उंगलियां कहाँ है? फास्ट बॉलर है रेने। अरे तुम क्या क्रिकेट देखते है जी? जहीर खान से लेके कपिल देव तक सब बॉल ऐसी पकड़ते, बाकी उंगलियां बॉलिंग को डिस्टर्ब करते बोल के निकाल दिया उसकी। देखो कैसा स्पीड बॉलिंग करता हूं ने अब। क्या करता है कि क्या नहीं की, इन्हें मेरे को फास्ट बॉलर नहीं दिख रहा, तेल के ढकना खुलने वाला दिख रहा। अरे अच्छा खेलता जी इन्हें, चलो तुम देखो खाली देखो बस। क्या देखता की देखो रे, यहाँ क्या कर रहा? वहाँ विकेट है, वहाँ बैट्समैन है। मैं यहाँ से ही बॉलिंग करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। अच्छा, ये तुम्हारा स्टाइल है? स्टाइल है। जाओ अपना स्टाइल दिखाओ, तेरा बैगन का स्टाइल। गुड बॉल गुड बॉल। मैं लाया मैं। फास्ट बॉलर तू सुतरा साला। अन्ना स्पिन बॉलिंग करेंगे क्या? स्पिन भाई मैं करूं क्या स्पिन? तेरे को आती रे स्पिन? हाँ आती, पहले हाथ हिलाना बंद कर। भाई मैं भूल गया, अपने पास भी स्पिन बॉलर है। कौन है रे वो? वो देखो अरे हवा के जोगे फिर पट्टे। क्या हुआ रे इसको, मुर्गी की बीमारी हुई क्या? लट्टू की तरह फिर रहा। मैं पैदाशी ऐसा हूँ भाई। बैट्समैन को देख, इन्हें डालता रे स्पिन। अरे तुम देखो उस्ताद, देख रहा हूँ देख रहा हूँ, पूरे भिखारियों की आईपीएल टीम देख रहा हूँ। चलो 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 सब अपनी जगह चलो। बोलिंग करो रे समीर, चलो चलो बोलिंग कर लेते हैं तेरे को। आउट आउट आउट। अरे साले तेरी मार के निकल निकल निकल। अरे कैसा मार रहा है साले, बदला मत कर रे मेरा साले, सब तेरी वजह से है। निकल चल। अरे यादी पकड़, अरे पकड़ बॉल पकड़ 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 छोड़ दिया साला। अरे समी टॉप एंगल से गोला जा रहा जा रहा। अच्छा साले की नाक थी। अरे यादी पकड़, अरे पकड़ बॉल पकड़ 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 पकड़। अरे बॉल पकड़। अरे अभी नहीं जा रहा बॉल लाने को, बाउंड्री पे जाके बॉल रुक गया, चार जाते तो भी अच्छा था, खाली बिली रहना पड़ रहा है। अरे क्या सुपर से लाया रे प्लेयरों को, पूरे अपने खानदान से उठा के लाया। हाँ जा भाई जा भाई, शाम से शाम से जा, कल तक बॉल की रखवा नहीं है। बस करो और की तेरा नाम बनाते बस। 15 20 25 30 35 अरे कमीना बॉल लाया रे, नहीं लाया। 45 40 से भी ज्यादा रन हो गए रे साले, कब तो भी लाता बॉल। बाप रे 50 रन हो गए। 49 रन भाई, रन कह तो गए भाई, अपना पट्टा देखो बॉल रिकॉर्ड कर दिया, शाबाश। मैच खत्म होने तक साले ऐसे कितने रिकॉर्ड बनाते रहे लोग। हाँ रे अब ठहर, विकेट में लेके आता हूँ भाई। अगरा साले चप्पल से खा।
भाई ने रोक रहा देखो। अरे छोड़। अरे हाथ हटाओ जी, डाल दो उसको, डाल रहे। मैं तेरे को वहां ठहरो बोला, यहाँ कहीं को आया, चल। अरे साले फिर से आया, मैं वहां ठहरो बोला ना तेरे को। मैं क्या करूं भाई, हवा खींच के ला रही तो मैं क्या करूं बोलो। अरे कुत्ते साले जानी, ये पतंग बन के लाल, पत्थर बन के लाल साले को, बार बार यहाँ जा रहा, चल। अबे तेरा सत्यानाश भाई, चक्का गया। हाँ नाच बेटा, नाच नाच और नाच, आज जानी के अप्पा की शादी है, नाच। करो भाई बैटिंग में पोलक, चीर देंगे। कान फोड़ता हूँ साले, चीरता कहते चीरता, अब क्या बचा रहे चीरने को, वो लोग चीर दिए ना, 20 ओवर में 320 रन मारे, अब तुम लोग सही नहीं खेले ना, तुम लोगों को चीर के पूरे चीजें भर देता हूँ साले। देख। अरे गेंडा बॉल डाल रहा रे, अरे क्या हुआ रे साले, बॉल आने से पहले आउट हो गया, दुनिया का पहला आदमी है रे तू। अरे पाकिट इन्हें तो जीरो पे आ गया, तू इसकी भी सेंचुरी बना क्या, जाओ जल्दी। छक्के मार के आता हूँ, छक्के मार तो बोला, अब वहां जाके कमर ढूंढ रहा देख साला, अब बॉल डाल रहे। ए क्वार्टर यहाँ नहीं, यहाँ मिलता। खेल लियो, और एक नमूना, बॉलिंग करो जी, बैटिंग करता हूँ। इन्हें बैटिंग कर रहा, ड्रिलिंग कर रहा। अरे क्या कर रहा, बॉलिंग करो बैटिंग करता हूँ, खेल। छक्का मार रहे, पकड़ ले। अरे बैट्समैन कह रहे, मेरे पास एक कहानी है, लुंगी में अंगार, सुनते क्या। नको बने, लुंगी में अंगार नको लगा, जाकर बैटिंग कर। लंबू भाई एक मिनट जरा हल्लू डालो ना, बैटिंग कर। खाजा भाई मेरी फोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। अरे चुप, खेल खामोश। क्या देख रहा रे, एक बार देख क्या करता हूँ। आजा यानी आजा, देखे खेल। ये देख, अरे बॉलर कहाँ है, वहां है। अरे अंधे इधर आ, वो देख। Bye.
अरे भाग रे वंटा भाग ए बाल 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 अरे सब लोग दुआ करो रे, हवा ना को चलो बोल के, नहीं तो ये पतंग उड़ जाती। एम्पर अंकल, थैंक यू। फालतू 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 कंपनी, फालतू 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 कंपनी। अरे क्या कर रहा है, टिड्डिया पकड़ रहा? अरे इन्हें भी गया। राजा डायरेक्टर राजा, अब तेरे को लेके मैं पिक्चर बनाता हूँ। जॉगिंग में भेजना जा रहा साला। हाँ सही बोल। अगर स्कोर नहीं बनाया ना, यही ग्राउंड में तेरी खबर खोदता हूँ। ये देखो साला चाकुआ तेज कर रहा। क्या कह रहा रे? टेस्ट मैच कर रहा भाई। अरे जानी, अरे क्या टेस्ट मैच कर रहा साले? चबो मर। अरे ठहरो, हाफ सेंचुरी ओवर में। साला सर दुख रहा, चाय पी के आता हूं। अरे इन्हें भी उड़ो क्या? स्कोर क्या है रे? स्कोर क्या है? 319, दो रन मारना है। अरे बैठ ला, बंद जल्दी बंद जल्दी बंद, अब भी जाके दो रन मार के आता हूँ। कौन बता रहे? खाजा भाई छक्का? खाजा भाई छक्का नहीं बोले, खाजा भाई चक्का बोले। अच्छा मारो बोले ना। अच्छा बोलो 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 बोलो। ये गया चौवा, ये जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत। कहीं क्यों नाच रही? वो पाकिट गलत लिखा वहां पर। हाँ अरे क्या रे जानी, अरे क्या रे जानी, मैच भी ओलंगा जीत गए। हार गए तो फर्क नहीं पड़ता उस्ताद। क्या खेले तुम, क्या मजा ले उस्ताद तेरी मार। सब ठीक है? एक मिनट, ओ बाजू में कमरा पर को झूला पूछी थी, जरा लेके आओ ना। झूला? हाँ। किसको? हमारे को। झूला हमारे को? अब क्या जरूरत पड़ी उसकी, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। समझाती हूँ, वो झूले में तुम्हारे को सुला के लोरी सुनाएंगे बोल के। हाँ जी, बच्चे बड़े होके बूढ़े होते, ये दुनिया का रिवाज है, मगर हमारे घर में उल्टा हो रहा ना, बड़े फिर से बच्चे बन जा रहे। ये उम्र में कॉलेज के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे, अब थोड़े दिन में फिर से दूध पीते बच्चे बन जाओगे। इसके वास्ते पहले से झूला मंगा रही हूँ। असल में वो जानी, शर्म करो जी कुछ तो, रोज रोज बच्चे बन जा रहे, ये उम्र में क्या चिचोरापन है? क्रिकेट ही कम पड़ा क्या तुम्हारे को? असल में वो कमीनों को शर्म नहीं तो तुम्हारे को क्या हुआ जी? आप मिलके बोल रही थी। अरे अनीस,
क्या हुआ तेरे मियाँ को? बच्चों से क्रिकेट हार के पूरे मोहल्ले की इज्जत निकाले कदे ना बोल के मेरा दिल कितना रोया होगा सोचो। जिंदगी में एक तो अच्छा काम करो जो लोग इज्जत दे। तुम नहीं सुधरोगे, मैं मरूं तो भी नहीं सुधरोगे। करो जो जी में आया करो। ये होटल में पिक्चर बना दूं भाई मैं। सलाम अलैकुम हजर भाई। वालेकुम सलाम। काहे दिख रहे नहीं? ऐसा ही बिजी था। हाँ हाँ। एक बात मालूम? नहीं। मेरा बेटा फर्स्ट क्लास पास हुआ। ओहो मुबारक मुबारक। अब क्या करा नहीं? MPC, BIPC, RTC, LIC, RCC। वो सब कहीं को कराऊं? फिर? सेकंड क्लास में डालूंगा। वो कहीं को? मेरा बच्चा 4 साल का। हाँ। फर्स्ट क्लास में पास हुआ, सेकंड क्लास में डालूंगा। इसकी तो माँ की आंख। अच्छा ये बोलो बाल बच्चे कैसे हैं? बाल सर पे है, बच्चे घर पे है। चलो निकलो पर्सनल काम करने दो। क्या रे जानी पर्सनल काम करते, दिन तमाम होटल में बैठ के चाया वाया पी कर गपचप मारने को पर्सनल काम करते? पर्सनल इन्हें गया काम से। मेरा काम शुरू हुआ। क्या पाएंगे मजर भाई, यहाँ बैठ के चाय पीने को पर्सनल काम नहीं बोलते? पर्सनल काम किसको बोलते मालूम? तुम टेलर मुबीन की बीवी को फिल्मा दिखाते ना, उसको पर्सनल काम बोलते। और उस्मानिया दवाखाने की लंगड़ी नर्स को इंदिरा पार्क की झाड़ों में ले जाके जो कुच्ची कुच्ची करते ना, पर्सनल काम उसको बोलते। अपनी बीवी को नहीं मालूम है जैसा अपनी साली को ले जाके जजी खाने में 2 बार जो ऑपरेशन कराए ना, उसको बोलते पर्सनल काम। अरे नको जानी भाई नको, प्लीज रुको। सब जहांगीर की बीवी का 3 दिन से जो मोबाइल नंबर ट्राई कर रहा है ना, नको प्लीज रुको। बोलते पर्सनल काम। क्या रे साले मजर, मेरी बीवी का नंबर है ना रे तेरे को? अरे साले काट काट के टुकड़े कर दूंगा साले तेरी। और सुनो अपने वो सिराज भाई के। मेरा क्या है? गया साला, अपने आप को रजनीकांत समझता ढक्कन। अरे कह रहे जानी सिराज भाई बोल रहे, मेरे बारे में क्या बोला रे? अरे तुम कोई टेंशन ले रहे हो उस्ताद, तुम्हारे बारे में नहीं बोला तो तुम्हारे घर के बाजू जो बेवा औरत है ना, उसके बारे में बुरा साला बीच में भाग गया। सही बोल रहा? अरे सही बोल रहा हूँ। किसकी हिम्मत जो तुम्हारे घर की तरफ आग उड़ा के देखे? जाओ उस्ताद टेंशन मत लो, काउंटर संभालो जाओ। ठीक है ओके राइट। जाने को चाय दे दो, साथ में 4 समोसे भी। ये साला तुगलक की औलाद, इसकी बीवी का रजनीकांत के साथ 2 साल से डिंग डांग है। ये सुबह सुबह काउंटर संभालने यहाँ आता, रजनीकांत इसकी बीवी को संभाले। चाय नहीं आया उस्ताद। अरे जानी ये दुकान के लाइट का बिल देख, आज आखिरी डेट है इसकी। दोपहर का खाना खाके यहाँ से बन के आ जा। बन के आता हूँ, जरूर बन के आता हूँ। भूलना नहीं, खाना खाके सीधा जाके बन के आता हूँ। VIP। मैंने झांगों का नहीं तुम्हारा नाम पूछा है। रेशमा। अच्छा है, मर्दों के झांगे दिख रहे हैं। किसके? मेरे बाबा के। ज्यादा बेवड़ा दिख रहा, खाली पीते रहता क्या, कुछ खाता नहीं? क्यों? झांगों के साइज को देखे तो मालूम हो रहा कि आदमी का साइज क्या है। हाँ। शादी हुई क्या? नहीं। ये काम अच्छा किया तेरे बाप ने। बच्चे कितने? चप्पल टूटेंगी। सॉरी सॉरी। माफ करना, निकल गया। तकलीफ हो रही क्या? आदत है, क्योंकि बाबा भी ऐसी करते। अब चलता हूँ। 1 मिनट। क्या? पहले जिप लगा लो। नजर भी तेज।
करके चला रहे, छोड़ रहे, छोड़ रहे। अरे अरे के अरे 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 रे साले ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरे बाप की आंख। हेलो। अरे जानी कहाँ है रे तू, बिल बनाने बना। तुम्हारा सरदार मेन आइटम कहाँ है वही सोच रहा था, अब फोन करा। हेलो जानी भाई, यहाँ एक अर्जेंट काम में बिजी है। क्या बात है बोलो। बिजी है, मैं फोन कर तो बिजी है बोल रहा, इतने में तू कौन है रे छिछोरे। बाता संभाल के बात कर, वरना बाथरूम भी जाने के काबिल नहीं रहेगा। साले कौन है तू, ज्यादा बातें करा ना, बीच गली में लाके तेरी नली काट देता हूँ। कौन समझा रे, खाजा, खाजा पहलवान बात कर रहा हूँ। अच्छा खाजा पहलवान, मैं कौन मालूम। अरे कौन है रे तू, अगर एक बाप की औलाद तो अपना नाम बता। तेरे को मेरे नाम की जरूरत नहीं रे, मेरी आवाज ही काफी है। मेरे को माफ कर दो साहब, मेरे से गलती हो गई साहब, मेरे को नहीं होता था फोन पे आप साहब, मेरे को माफ कर दो साहब, मेरे को माफ कर दो साहब प्लीज। शाबाश, क्या तेज है रे तेरा दिमाग, आवाज से पहचान लिया रे मेरे को। और बोल खाजा पहलवान। अरे कहे का पहलवान साहब, मुंह से निकल गया साहब, आपकी बहन बुरी दादा साहब, मेरे को माफ कर दो साहब, मेरे को माफ कर दो साहब प्लीज साहब। अच्छी बात है, वो क्या मुंडी डालता है यहाँ आके दाल। नहीं साहब नको साहब, इस बार जाने दो साहब, साहब प्लीज साहब इस बार जाने दो साहब। मैं तेरे को बराबर 3.5 मिनट दे रहा हूँ, अगर तू यहाँ नहीं आया ना, तू घर में तो क्या, दुकान में तो क्या, अगर तू कश्मीर के बर्फ में भी छुप गया ना, तो खींच के निकालता हूँ। जानी उधर दे। और क्या खाजा पहलवान, कटा वटा बहुत दिख रहा है, दिन में जिम को कितनी बार जाते हैं। जिम की कभी जरूरत नहीं देगा साहब, एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है। फोन में ये कुत्ते कमीने जलील है समझ के बोल दिया साहब, माफ कर दो साहब गलती हो गई साहब। एक तो टिबर राइटिंग, दूसरा लड़कियों को छेड़ना, तीसरा एक्सीडेंट। पहलवान इन लोगों को तुझ भेजा करते ना रे, वो भी तेरे काम के वास्ते। इसका मतलब तू भी इस क्राइम में शामिल है। मुझे माफ कर दो साहब। अब तुम लोगों को एक डिफरेंट सजा देता हूं। सब तेरी वजह से। अब क्या डिफरेंट सजा देता है कि? मैं समझ गया, उसमें से कूदो बोलता, सिंपल है। अरे जानी क्या सोच रहा है रे, मेरे को डर लग रहा। ये साला इतनी सिंपल सजा नहीं देता, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। अब एक एक करके तुम लोग ये रिंग में से कूदना, और जिस्म का कोई भी हिस्सा ये रिंग को टच नहीं होना, और अगर जिस्म लग भी गया तो तुम लोग कामयाब हो जाते। अब मैं तुमको एक मेन मैटर बताता हूं, ये रिंग देखने में एक सीधा साधा है, मगर इसकी खासियत क्या है तुम्हारे को मालूम। पानी लो, पानी लो। पानी, पानी, पानी नहीं है क्या?
चलो देखते हैं। ले ले लुक्मा। अब ये देखो। चले गई। बाय बाय। ये एक घंटे से गर्म किया हुआ रिंग है, समझ गए ना? चलो एक एक करके कूदो, चलो आ जाओ। प्लीज साहब, माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब। अब सीधे तरीके से मान जाओ, वरना इसका इस्तेमाल करना मुझे आता है। चलो एक एक करके आ जाओ। अरे तू जा रहे, अरे मेरे दिल उतार रहे। आगे बढ़ो, चल पहलवान, पहलवान अपनी पहलवानी दिखा। देखा, चल मजनू की औलाद, चल रहे आशिक, चल सुई पे चढ़। खा लिए खाना? हाँ। निकल रहे नवाबगिरी करने को अपने आवारा दोस्तों के साथ? बाता बड़े बड़े नहीं कर रहे आजकल, मेरा बीपी न को चढ़ाओ। दुकान खोल के धंधा करने को नवाबगिरी बोलते क्या? हाँ, दुकान खोलने जाना है। 10 साल से खोल खोल के 100 किलो के चाबियां घस के 50 ग्राम हो गए, क्या कमाया आज तक? तुम्हारी खिड़की सुनने टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जा रहा हूँ। टाइम नहीं है? कल से बुखार से पड़ी हूँ, बीवी का हाल चाल पूछने के लिए टाइम नहीं है, अपने चिल्लर दोस्तों को देने के लिए टाइम है। अरे कल शाम में गोलियां लगे दिया ना, और क्या करूं? गोलियां दिए, 1 मिनट। ए इशरा, तुम लाए सब गोलियां? कहीं को ये दालिया तो कम नहीं हुआ, दूसरा लाके दूं क्या? अरे कभी कभी तो अपना अक्ल इस्तेमाल करो ना, नहीं तो भेजा पूरा जाम हो जाता। अब क्या हुआ जी, बुखार नहीं उतरा क्या? वो गोलियां खा लिया तो बुखार नहीं उतरता, प्रेगनेंसी रुकता। मालाडी के टैबलेट है वो, शादी के शुरू शुरू में बच्चों को रोकने के लिए खाते, अब ये उम्र में मैं खा के क्या करूं? तुम इस बोलो, तुम्हारे को दिए उस कुत्ते को अक्ल नहीं है तो नहीं है, तुम्हारे अक्ल को क्या हुआ जी? इसीलिए पूरे खानदान में बोले साहब की क्या इज्जत है और तुम्हारी क्या इज्जत है, कभी सोच लिए? देखो अनिस, मैं बहुत बार बोल दिया तुम्हारे को, वो बड़े खाजा का कोई भी बात अपने घर में नहीं निकालना। काय को है सो बात बोले तब गुस्सा आ रहा क्या? तेरी की। तुम्हारे काम वैसे है फिर। अरे दोनों के नाम भी खाजा है ना, तो तुम कहीं को ऐसे दीवाने हैं, समझ में नहीं आ रहा? ऐसा? हाँ। मैं दीवाना हूँ? हाँ। बताता हूँ, मेरा टाइम आया जब दिखाता हूँ, मैं दीवाना हूँ क्या शाना हूँ? अच्छा कब आता की वो टाइम? जब आता तब बोलता हूँ। आप लोग फिक्र मत करिए, आप लोगों का जो भी काम है इंशाल्लाह पूरा करा दूंगा, मैं आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। भाई आपसे कोई मिलने आया बाहर, उसकी लड़की की शादी है बोल रहा। बुला लो यहाँ पर, भेज दो। ठीक है राइट। आप लोग बुरा नहीं माने तो 5 मिनट के लिए बाहर जाइए। ठीक है भाई, आओ यहाँ बैठो। भाई यही है वो। भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्लाह के करम से ठीक हूँ बड़े ख्वाजा साहब, मैं आप पर बड़ी उम्मीद रखकर यहाँ पर आया हूँ। फरमाइए। दरअसल मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई,
मुबारक हो, मुबारक हो। लड़का क्या काम करता है? पान के डब्बे में काम करता है। अच्छा, लड़के को गाड़ी और जोड़े की रकम 1,00,000 रुपए होना करते। ठीक है, दे दीजिए। मैं गरीब, इतना रुपया कहाँ से लाकर दूं? अगर आप कुछ मदद कर दिए तो बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास। ठीक है, बाहर मेरा आदमी है, आप उसे मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े ख्वाजा साहब। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आसान रहेगा मुझ पर। आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया भाई। आदाबर से, आदाबर से। हेलो। अरे परेशान कहीं को? अरे भाई तुम्हारा काम हो गया समझो, खाजा भाई के पास आए तुम। हेलो, ये कार्ड लियो, आज शाम को आपकी बेटी को ये पते पे भेज देना, आपकी बेटी पैसे लेके आ जाती है। वो बदनसीब बाप हूँ जो अपने बेटी को शादी के जोड़े के बजाय कफन दे रहा हूँ। मुझे माफ कर मेरी बेटी, मुझे माफ कर बेटी। हे, ये देख, इन्हें चिपका है तो मैं समझ गया, कहीं ना कहीं कुछ काम पे लगा है। बोल के साला, तेरी माँ की आंख। अरे क्या करा रहे घंटे से यहाँ पे? लंच करे नहीं करे? दोपहर में कौन सा प्लेट क्या थे? क्या है मैडम? कितनी देर हो गई हम लोग को आके? अच्छा, यो आशी, पूरा लाइन खत्म हो गया, अब तक यहीं खड़े हुए, जरा जल्दी करो। ये किराना दुकान नहीं है, बिल देख के लेना पड़ता। रुको, वो एक कस्टमर कर रही है, बड़बड़ कर रहा हूँ। हेलो मैडम, तुम सुनाते रहो, पूरा एक घंटा हो गया इधर। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर से फोन करती हूँ। मैडम, बड़े साहब आई क्या? नमस्ते सर। नमस्ते, बागुनवा। हाँ बागुना सर। ओ खाजा भाई, क्या बिल बनने आए? आप थोड़ी देर लाइन में ठहरिए, हम डिस्कस कर रहे हैं। हेलो मैडम, हमारा बिल लो। अरे जाना है हमारे को, अरे काम है जी। कनपिंचट लेदा सर, तो इंपॉर्टेंट विषय మాట్లాడుతున్నా, వెయిట్ చేస్తే చేయండి, లేదా కాసే పట్టేదండి। ये मेरे साडू साहब है, बेचारा कब तक लाइन में ठहरेगा, मैं बोल रहा हूँ। ले लीजिए। अलग है सर। कभी कोई परेशानी हुई तो मेरा नाम ले लो भाई, कहीं को ऐसा भटकते फिर रहे। चलो रे चलो। अरे जहां जा रहा हूं, मेरा पीछा कर रहा साला। उसका टाइम चल रहा खाजा भाई, अरे क्या करना है वो बोलो। अरे आशिक साले, अरे मेरा टाइम खराब बोल तो ऐसे पीछा करता साला। यहाँ पे ठहर, इतना कुछ तो करना है साले का। हिम्मत रखो भाई, यार कुत्ते का दिन आता, देखना एक दिन आपका भी आएगा। हाँ कुत्ता मारा मेरे को। अंग्रेजी में कहावत है उस्ताद, कुत्ता हिच वो टाइट। स्टार्ट हो गया, चलो चल। बहुत दिनों के बाद ये आपा की याद आई तेरे को, क्या हुआ भाई आ रहे नहीं? क्या जी आपा, तुम्हारे नहीं मालूम, सुबह निकलता हूँ घर से, रात को 10-11 बजते आए तक का टाइम इच नहीं है मेरे पास। और भाईजान नहीं दिख रहा? अंदर है, तैयार हो गए। और आपा कैसी चल रही दुकान? कैसे चल रही बोल के नहीं मालूम तेरे को, फिर से क्यों पूछ रहा? वैसा ही छे, जायदाद है बोल के चल रहा, नहीं तो क्या होता की। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम अहमद, खैरियत से है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ लंगड़ के चल रहा है?
वो कुछ नहीं, थोड़ा दर्द है पैर में। ये उम्र में दर्द? हाँ। खैर इसको छोड़ो, और क्या खबर है? अजमत और बच्चे अच्छे तो है ना? बस आप लोगों की दुआ से सब ठीक है। शाम में छिल्ले की दावत है, आप दोनों को याद दिलाने आया। एक बार बोल दिया काफी है अहमद, टाइम पे पहुंच जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो। आपा के पास गया था क्या? आपा गंज से जा रहा हूँ, चलता हूँ। और भाईजान आपके दोस्त जानी भाई उन लोगों को भी बोला, वो लोगों को भी साथ में लेकर आओ। जरूर जरूर, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। अरे बेटा संभाल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? खैरियत। सलामुलेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम अहमद। सलामुलेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुबारक। सलामुलेकुम। आइए भाईजान। ओ देखो वहाँ बैठे भाई मियां। वालेकुम भाई। सलाम अलैकुम खाजा भाई। कहाँ थे रे जब से, क्या उखाड़ रहे थे? घंटे भर से अकेला बैठा हूँ यहाँ पे। तेरे को मालूम है मेरे को बड़े खाजा से एलर्जी है। वो माफी चाहते भाई, गिफ्ट पैक कराने में देर होगी भाई। अहमद से मिले? नहीं। वो बाहर जमील था, मिला क्या आपसे? नहीं मिला रे, छोड़। भाई बस कुछ चमक रहे भाई। भाई मैं क्या देख रहा भाई? मेरा पर कब ले आ रहे तू? सुनकर आ रहे थे, ले लेके आ गया। हाँ ले लो, खाओ। छोड़ खाओ। देखो बड़े खाजा भाई, अरे तुम लोग यहाँ से उठो, सिरे दस्तर पे बैठो, उठो। हमारे खाजा भाई भी आ रहे, तुम लोग आए दूसरा टेबल देख लो। अरे यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आ बैठे हुए, उठाए तो अच्छा नहीं रहता। इज्जत से बोल रहा हूँ, उठ जाओ। अगर नहीं उठे तो? अगर तेरी कान में दम है तो तू उठा के दिखा, साले तेरे को दुनिया से उठा देता हूँ। क्या हो रहा, क्या बदतमीजी है ये? भाई आप आ रहे बोल के दूसरे दस्तर पे बैठो बोला, उतना ही मेरे को दुनिया से उठा दे तो बोल रहा भाई। क्या रे, क्या घूर के देख रहा रे? क्या उखाड़ता रे घूरा तो? चला घूर रहा हूँ, उखाड़। क्या हुआ जी, क्या हुआ रे, कहीं बोल रहे तुम लोग? समझा दो इसको, अगर नहीं समझाना मैं समझाता हूँ इसको। क्या बात कर रहा, क्या समझाता रे तू? क्या समझा था? बोल बोल। तू बैठ उधर। नहीं खाजा भाई, बात कुछ भी नहीं है, बुजुर्ग लोग है बोल के थोड़ा बाजू बैठ जाओ बोले, उतना और कुछ बात नहीं। अब अपनी अपनी बात है खाजा भाई, एक काम करो आप दोनों पहले बैठो, उठ जाओ बाबा, चलो चुप जाओ। बैठो खाजा भाई, पहले आप बैठो, आप बैठो खाजा भाई, आप उठ जाओ, बैठो, चलो बैठो, तुम बैठो, गुस्सा गई बोल, बैठो बैठो, अपनी अपनी आपस की बात है। खाजा भाई आप लोग पहले, आप लोग कुछ भी नहीं, आप छोटी सी बात है, इन्हें कुछ हुशारी कर रहा। खाली पीली तमाशा होता, खाजा भाई की इज्जत खराब होती। हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है? हाँ भाई हम लोग बाद में आते, आप बैठो आराम से। रुक रे रुक। अरे रुक। ये आपका खानदानी मसला है जी, भाभी को मालूम तो गड़बड़ हो जाती, आप बैठो आराम से, हम लोग जाके आते। हाँ ठीक है, चलो रे चलो। ऐसे आवारा बदतमीज लोगों को अंदर आने दिया यहाँ पर? क्या देख रहा रे, चल बाहर चल।
रोज आप लोगों को बुलाए तो ऐसे ही होता। क्या है फिर? वॉचमैन को बुलाकर इन्हें बाहर निकालो, ठीक है, वरना इन लोगों को गलीते देकर बाहर निकालो। ठीक है भाई। इसकी कान में दम है लोगों छीने की। कौन बोला रे इसको आ रहा बोल के? खाजा के पट्टे है रे वो। अरे मर्द का बच्चा है तो हाथ लगा के बता। बैगन की मेरी काट के टुकड़े टुकड़े कर दे दो साले। हाँ करके तो सर पे चढ़ रहे रे। क्या हुआ भाई? क्या हुआ खाजा भाई? किससे बात कर रहे तुम? कौन है इन्हों मालूम? अरे कौन है रे इन्हें? यमन का सुल्तान है क्या? ठहरो रे ठहरो ठहरो। क्या खाजा भाई, ज़ईफ़ आदमी है, बड़ा पॉलिटिशियन है, तो क्या करूं? बड़े बड़े सुरमा है, इनके सामने इलेक्शन लड़ने के लिए डरते। क्या पॉलिटिकल लीडर? पॉलिटिकल लीडर तो क्या करना चिच्चा, खुदा है क्या? आज तक इसकी हरकत देख के कोई भी अपोजिशन में खड़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस दिन कोई सच्चा ईमानदार उसके अपोजिट में खड़ा हो गया तो हार के घर में जाके रोटियां बेलना पड़ेगा, रोटियां। समझा रहा हूं? अच्छा सही, अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला आज तक, इसलिए 20 साल से मैं ही जीत रहा हूं। एक काम करो, इस बार तुम इलेक्शन में ठहरो, मैं घर में बैठ के रोटियां बेलता हूं। क्या हुआ, उतर गई ना हवा? इलेक्शन जीतना कोई मामूली बात नहीं है बच्चों। तुम्हारे बाप दादा भी आसमान से नीचे उतर के आए ना तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, समझे? ठीक है, तुम्हारे चैलेंज को मैं ललकारता हूँ। आज तक तुम्हारे अपोजिट में कोई खड़ा नहीं हुआ, मगर आज एक खड़ेगा। अरे खड़ेगा क्या, तुम्हारे से लड़ेगा और लड़के जीत के दिखाएगा। जानते हैं कौन है वो? हमारे खाजा भाई। अरे, अरे तू क्या बात कर रहा, पागल हो गया क्या रे? अरे जो भी बात कर रहा सोच समझ के बात कर। जब इज्जत जाती बैगन सोचते नहीं, करके दिखाते। अरे नहीं 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 भाई, इन्हें थोड़ा पागल हो गया, कोई फाइट नहीं, कोई चैलेंज वैलेंज कुछ भी नहीं भाई। इसको बोलते अकलमंदी। बड़े खाजा भाई से लगड़ लिए तो क्या होता, छोटे खाजा भाई को मालूम है। बहुत हो गए तुम्हारे वो बैगन की बात, निकलो यहां से। तुम मेरे साड़ू है बोल के जब से मैं खामोश बैठा हुआ, नहीं तो 5 मिनट में पुलिस को बुला के तुम पांचों को नंगा बिठा देता हूं। तुम 5 लोगों को मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, आइंदा मेरे सामने फिर ऐसा तमाशा करे ये मोहल्ले से तो क्या इस शहर से भी बरतरफ करा दूंगा, समझे? निकलो यहां से। ए, ए, तू क्या मेरे को शहर से बाहर निकालता? मैं आज तेरे को और तेरे पट्टों को दुनिया से निकाल देता हूं। अरे रे क्या हुआ भाईजान? अरे भाड़ में गया तेरा भाईजान। भाई 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 अरे हट जा रे, अगर कोई भी आवाज निकाला ना जिंदा गाड़ दे तो इधर। और तू क्या मेरे को चैलेंज करता रे? तू क्या चैलेंज करता मेरे को? मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, मैं इलेक्शन में धरता हूँ तेरा अपोजिट और जीत के बताता हूँ। क्या करता हूँ खाले, भाड़ में गया तू और तेरी लीडरगिरी साले, देख लेंगे। अरे देख ले क्या देखता, बैगन की लड़की। अंदर सन्नाटा है। हाँ। लगता है भाई भाभी को मैनेज कर लिए शायद। आवाज दो जी फिर। आजा भाई। आ गए देखो मोहल्ले के दरिंदे, तुम्हारे फालतू चमचे। जानी भाई जरा अंदर आइए ना, आपसे बात करनी है। अगर 2 मिनट यहाँ रुके ना अपना खतल हो जाता, दुकान में मिलेंगे। चलो रे भागो रे भागो। कहीं कोई चीख चीख के तमाशा करी रास्ते, बोले तो समझ में नहीं आ रहा तेरे को? मेरे को नहीं तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा? अगर दिमाग खराब हो गया तो घर में पड़े रहो, इलेक्शन लड़ते कदे इलेक्शन।
अब घर भी बेचने का इरादा है? ये पागल काम आप भूल जाओ, नहीं तो बहुत पछताते। क्या है कि वो पछताने का, रास्ते देख रहा हूँ वो तंदा ना कर रही। अब क्या मैं इलेक्शन में ठहर रहा हूँ? क्या करती? ज्यादा बात करी ना, तलाक देके और एक शादी कर लेता हूँ। बैगन की मेरी, किसको बोलना है उसको बोल ले, वो ना के बात करता देखता हूँ। रहना है रहने तो निकल घर से। महल्ले में मलगी लेके खोलते तो अच्छा रहता भाई। अरे कहीं आसपास मलगी नहीं मिली रे, और अपना धंधा भी तो टेंट हाउस का है, सूट हो जाता। सही है भाई, आज तो पार्टी होना। तेरे को खत्म करके पूरे महल्ले को दावत देता हूँ, इतना सी भी खत्म हो जाती। खाजा भाई। वालेकुम सलाम समी। कैसा है अपना पार्टी? ओपनिंग ये सब कौन करे रे? मैच करा। कौन आ रहे हैं ओपनिंग को? किसको बुलाया? आप ही कर रहे हैं। मैं अरे आओ जी। अरे क्या हो रहा है मजाक? मजाक नहीं कर रहे जी, नहीं आ रहे आप। हाँ काटो। मेरी जिंदगी में पहली बार रिबिन काट रहा हूँ रे। गले मिलो। आजा 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 आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। काले रे बुकड़। आजा 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 रे, तू भी आजा आजा आजा। अरे तेजी रिबिन काटने दिल नहीं कर रहा रे। काटो। सही में काटू? काटो भाई। अरे ऐसा नहीं, ये यहां से काटता हूँ। क्या कर रहे? प्रैक्टिस रे। हाँ करो करो। अरे घर में लेके तो काम आती रही है रिपीट। अरे जल्दी काटो जी। ये कौन काटे रे? आपने काटे? मैंने काटे। अरे रिबन कट गया ना जी, चलो अंदर। कौन काटे रे ये रिबन? क्या थी मालूम पड़ गया क्या? अरे कौन है रे तुम लोग? यहाँ पे कहीं कौन है? अरे क्या रे जानिए, ऐसे जमा हो गए रे। अरे बेटा ना कहाँ पकड़ा रहे साहब? ये दावत दिख रही तेरे को? पार्टी ऑफिसर है ये। मेरा दिखा तो कुछ दावत है समझ के आया था। कुछ खाने को दो साहब। भूख लगा साहब, कुछ खाने को दो साहब। घंटे से कुछ नहीं खाया साहब, कुछ खाने को दो साहब। दो घंटे से नहीं खाया मैंने। क्या खाते रे तुम लोग? ते लोग कहाँ से जमा हो गए रे? 15 मिनट पहले यहाँ कोई भी नहीं था साहब। सिटी में किधर भी दावत थी तो एक एक बल्कि स्मैश कर लेते साहब। खाना दो साहब। साहब 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 साहब। वाह क्या कम्युनिकेशन है रे। हमारे पास भी एक बड़ा भुक्कड़ है। ले जाओ साले को पकड़ के अपनी टीम में। अरे पकड़ उसे, पकड़ पकड़। ले जाओ साले को, हमारी पूरी बंदूक खत्म हो जाएगी। हमारी यूनियन में मेंबर बनना आसान नहीं है साहब। बहुत प्रोसेस है, बहुत प्रोसेस। हाँ साहब, बहुत प्रोसेसिंग है साहब। प्रोसेसिंग है कहते? ऐसा पकड़ो तू। अच्छा चल तू साहब। जा रहा हूँ। कुछ काम है तो बोलो साहब। अभी वो दिन नहीं आ रही। चल जब आया तब बताएंगे। चल जा रहे भिखारी, आ जा। हेलो अब्बा, किधर? सोना भी आते चार मिनार। साफ 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 ठीक है। साफ चलो रे, अपने से बड़े बेकार ये। चलो चलो देखे जाबे। जा रहे जल्दी जा रहे। क्या है रे ये? अल्लाह अल्लाह बोल के पार्टी ऑफिस खोल को भिखारी है क्या? अरे भिखारियों का ना अच्छा होता बोलते जी बड़े लोग। हाँ वो छोड़ो, अब क्या करना है ये बोलो। तो बोलना रे फिर। नॉमिनेशन का डेट मालूम करना है। नॉमिनेशन डालना है, उसके बाद हमारे को सैंपल अलॉट होता। उसके बाद मेन काम करना है। क्या है रे वो मेन काम? हमारे को ओटा होना बोले तो पब्लिक में नाम होना। अब नाम होने के लिए कुछ कामा करना। कैसे कामा? अब कैसे कामा बोले तो सब लोग बैठ के अपने अपने तरीके से एक लिस्ट बनाएंगे, फिर क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे। हाँ
क्या हुआ? अरे पकड़, फोन आया, वाइब्रेशन में है। पकड़ रहे, क्या हुआ इनको? हेलो हेलो, मैं तुम्हारा ससुरा बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। क्या है ये, नखरे ज्यादा हो गए क्या? तुम चैलेंज कर रहे मेरी बच्ची को? अल्लाह देता हूँ बोल के। हाँ, इतनी हिम्मत बढ़ गई? क्या है कि दीवाना आदमी है समझ के खामोश बैठे तो चल जा रही। हाँ, पांच मिनट में घर के अंदर रहना, नहीं तो खैरियत है तुम्हारी। क्या बोल रहा हूँ? आ रहे ना? आ रहा हूँ अब्बू, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ अब्बू। क्या हुआ जी, किसका फोन है? अरे सुबह तेरी भाभी पे पुकार के आया रे। अरे फोन करके बाप को बुलाई शायद। बुड्ढा फोन करके लाल पीला हो रहा, अब क्या करूं समझ में नहीं आ। ऐसा मैं एक प्लान बोलता हूँ। हाँ बोल। वो करो सब सेट हुआ था। क्या है बोल? जी के रख डालता हूँ, क्या समझा की मेरे को। हेलो जानी। हाँ बोल जानी। क्या मिल गया? मिल गया, पकड़ साले को और वहां से तलवार ले लेके घुसल साले को। हाँ हाँ, रस्सियां देख दुकान में, बांध दे साले के हाथा बना बांध दे। मैं आए तक खून खून कर दे साले का। माँ की देख ले फोड़ना है आज, 15 मिनट में पहुंच रहा मैं। माँ की गिरी मार दे साले को, काट के टुकड़े टुकड़े कर दे साले के। सामने पूरे 36 टुकड़े होना, एक एक टुकड़ा गिनूंगा। क्या बोलो ना रही, आने दो सालों को। आज तो लोग रहेंगे या तो मैं खून के नदियां बहा दूंगा आज। माँ की किरकिरी कुछ भी होने दो आज, वो सब छोड़। दुकान में तलवारें देख ले गया, गुजर दे। मेरे ससुरे को मेरे से अर्जेंट काम है करते, मैं 2 मिनट में निपटा के आ रहा हूँ। जब तक सर बोर साले का, बोर साले की फोन, तू लाइन पे रह। बोलिए अबू क्या काम है? नहीं नहीं नहीं, कुछ काम नहीं है, खाली आ गया था। आप फोन करके जल्दी आओ बोले थे ना। नहीं नहीं, खाली था, तुम दोनों को देखने दिल बोला तो आ गया। उत्तर तो खाली है ना? हाँ। तो चलो मेरे साथ, आज दुकान के पास एक दाल देने का है। मैं भूल गया, मेरे को बीपी चेक करने जाना है, चलता हूँ मैं। अरे रे रे, 2 मिनट खाली जाके दाल लेके आ जाएंगे। मैं चलता हूँ, आप जाइए, मैं चलता हूँ। और भाई पार्टी ऑफिस खोले गते, खोलते की पूरे भिखारियां घेर लिए गते। अरे भाई, आखिर ये भिखारियों में मिलना है ना, इसीलिए आए होंगे। अगर आप बोले उनका बंदोबस्त कर देता हूँ पूरा। नहीं 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 नहीं, वो लोग जोकरा है, जोकर ही रहने दो। परसों के फंक्शन में उन लोगों को गैर जरूरी कि अपन फेमस कर दिए। अगर अपन उनके पास गए तो पब्लिक समझेंगी अपन डर गए। जैसा चल रहा वैसा ही चलने दो। छोटे खाजा को फोन मिलाओ। इतना सच दच के कहां गई थी? स्लब कॉम्प्लेक्स। हाँ? घर में बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, नल नहीं आया। ओ, ये खिलौने तुमने बनाया? नहीं, बाबा ने बनाए। मालूम हो रहा। कितने का है? वो बेचने का नहीं है साहब। अच्छा, इतना कीमती है ये? वो हमारे बाथरूम का है। ये तो बेचने का है ना? कितने का है? 50 रुपये।
चिल्लर नहीं देते क्या? ऑलरेडी आप हवा छोड़कर पीछे एक फोड़ दिए। ओ तो और एक दो। ये लो और एक। रहने दो, रख लो। मैं फुगट के पैसे नहीं लेती साहब। प्यार से दे रहा हूं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकता हूं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, पापड़ से लगता है। ओ, अच्छा चलता हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लीडर साहब, क्या खैरियत से हैं? हाँ, क्या है बोलो। फकीरों के साथ पार्टी ऑफिस ओपन करेगा थे, सुन के बहुत मजा आया। चलो कोई तो आया तुम्हारे को मुबारकबाद देने के वास्ते। मेरी तरफ से भी तुम्हारे को बहुत बहुत मुबारक। इसकी माँ की आंख साला। भाई कल हमारे को नॉमिनेशन डालना है, सो कवा मैं कर लेता हूं, उसकी फिक्र तुम लगा छोड़ दो। पहले ये सोचो कौन सी गली में किस किस की हवा है और किसके पास वोट ज्यादा है, सोचो। अरे सोचने दे रे। मैं सोच लिया भाई। क्या तुम लोग कहीं सोच रहे? मैं सोच लिया ना, बाजू गली में सलीम बोल के एक रउडी शीटर है। अच्छा, उसकी हवा बहुत चलती, अगर अपन उसको पटा लिए ना अपना काम बन जाता। वाह क्या बात बोला रे। अरे जानी अब्बा, जिंदगी में पहली बार अकलमंदी की बात करा रही। सही बोला खाजा भाई, उसके पास 100-150 ओटा है और किस्मत को आज उसकी शादी की सालगिरह है। फोन करके मुबारकबाद दे दो, बाद में फूल ले जाके उससे मिल लेंगे। अगर उन्हें खुश हो गया तो समझो 100-150 ओटा तुम्हारी जेब में। ऐसा तेरे को कैसा मालूम रहे आज उसकी शादी की सालगिरह है बोल के? तू तो उसे मुलाकात भी नहीं करता। अरे उसकी बीवी बोली भाई। उसकी बीवी बोली तो भी ठीक है। लेकिन उसकी बीवी कैसा बोली रे? उन्हें खूबसूरत है बोल के उसका मर्द उसको बाहर निकलने नहीं देता, तो तू कब देखा रे उसको? नल के पास गली में इसमें बोली भाई। स्कूल में हम दोनों साथ पढ़ते थे जब बोली भाई। बहुत लड़ रहे हैं। बचपन में छोटे थे हम ना स्कूल में थे जब बोली भाई। देखो कितना लड़ रहा है। क्या बोला? कुछ बोल रहा था ना? नहीं, हम लोग आज अब छोटे थे ना भाई, बचपन में जब स्कूल। अब बोल क्या बोल रहा था, बोल मेरे को। देखो भाई, उन्हें भी छोटी थी मैं भी छोटा था, हम ना स्कूल को जा। हाँ आगे बोल। आगे बोल भाई। छोटी थी हम दोनों ब्याग लगा लेके जब स्कूल जाते थे ना। या बोल, या या बोल। उन्हें भी छोटी थी मैं भी छोटा। हाँ हाँ, उन्हें भी छोटी थी मैं भी छोटा था बचपन में जब वो। अरे यहाँ बोल, कहाँ पड़ा यहाँ बोल, इधर बोल इधर। ये सब बेकार के फालतू बात छोड़ो। हाँ, इलेक्शन जीतना है कि नहीं है? हाँ, एक मिनट। अरे सलीम इले बात कर, इले बात करो। हेलो हेलो सलीम भाई।
साला नंबर भी डायल नहीं करा। तुम लोग क्या करते क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम, मुझे दोनों के दोनों जिंदा चाहिए, समझे? जिंदा कर डालूंगा उन दोनों को। जाओ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तलाश करो उन लोगों को। जाओ। हेलो, कौन है? सलाम सलीम भाई, मैं टेंट हाउस वाला छोटा खाजा बात कर रहा हूँ। छोटा खाजा बात करो भाई। तो क्या उखाड़ना रे? रे, उन्हें बहुत गुस्से में दिख रहा। मैं बोलूं तू बोलता? अरे छोड़ो रे। अरे बोल रे, लाइन पे है। अरे उन्हें रौड़ी शेटर है जी, उसके बात करने का अंदाज ही ऐसा है। तुम बात करो बात करो। उताई बोलता? उताई। हेलो भाई, सलाम अलैकुम। सलीम भाई, मैं टेंट हाउस वाला छोटा खाजा बात कर रहा हूँ भाई। तो क्या उखाड़ना, बोल क्या है? आपकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आपका और भाभी का प्यार हमेशा सलामत रहो भाई। भाई आपकी जिंदगी में ये दिन बार बार आए भाई। भाई छोटा खाजा, टेंट हाउस वाला छोटा खाजा बनो भाई। अरे फालतू साले, तू मेरे को छेड़ रहा? मेरी बीवी कल ड्राइवर के साथ भाग गई बोल के मैं परेशान हूँ? तू देख साले, आज तेरा जनाजा आज नहीं निकाला ना, मेरा भी नाम सलीम नहीं। अरे तूने ये क्या कर दिया रे जल्लाद? कहाँ गए नो? अरे कहाँ जा रहे तू? भाई मैं यहाँ हूँ। कहाँ है रे? भाई मैं यहाँ हूँ। अरे कहीं को पुकार ले रे? क्या हुआ जी, क्या बोला उन्हें? उसकी जो रू रात में ड्राइवर के साथ में भाग गए। मैं होना बोल के उसको फोन करके जला रहा हूँ, समझ रहा? यहाँ पे आके मेरी फोड़ता कहते, ये सब तेरी वजह से हुआ साले। कमीने, कमीने, कुत्ते, कुत्ते, जलील, जलील। हाँ बस है, बस। उसकी भी भाग गई, बोली मैंने साली। अरे उन्हें अपनी बीवी को ढूंढने गया तुम्हारे को जी। लाइट लो जी। तू नीचे आता क्या, मैं ऊपर आके कान भोड़ू? आरो भाई, आरो भाई, आरो भाई। ये सब ये कमीने समी की वजह से हुआ, यही साला चिंदी चोर आईडिया देता। अबा, मेरा नाम डाल रहे? मैं सिर्फ उसका नाम लिया, उसकी बीवी का टॉपिक तुम निकाले, उसको फोन तुम करे। मैं नहीं, इन्हें करा, इन्हें करा। अरे जानी मेरे को बोटा लग रहा रे, उन्हें क्या करता कि रे यहाँ पे आके? अरे डर रे कई को भाई, अगर वो साला यहाँ आया तो तुम पैरा पर दिमाग मारना। मैं हूँ ना भाई। तू है बोल के तो डर है रे मेरे को? उन्हें क्या करता कि रे मेरे को? उन्हें रस्से मिलके क्या क्या फोड़ता कि रे मेरी कान फोड़ता कि क्या? पहले नॉमिनेशन की तैयारी करना है। मुंह लटका के घोड़े तुम लोग, आखिर क्या हुआ? सिंबल मिला। सिंबल मिल गया? हाँ। अरे ये तो खुशी की बात है ना, फिर ऐसा क्यों बैठे तुम लोग? आखिर क्या मिला सिंबल? तलवार मिला, प्लेन मिला, शेर मिला, बब्बर, खदा मिला, उसको क्या की घोड़ा मिला, हमारे को खदा। अब ये सिंबल लेके कैसा जाएंगे रिपब्लिक में? इलेक्शन कमेटी में बड़े खजा का आदमी है साला, इसलिए उन्हें घोड़ा ला लेके अपने को खड़ा दिला दिया। अरे
सिंबल कुछ भी रहा तो क्या करना है जी? पब्लिक कैंडिडेट कैसा है वो देखते। सही बोल रहे। चप्पल के सिंबल पे जीतस वाले नहीं है क्या? कुत्ता काईकू परसों में एक आदमी सिकंदराबाद में कॉन्डोम के निशान पे जीता। कॉन्डोम का सिंबल? खामोश बैठो जी, पैसा कैसा दे देते? ए तुम लोगों को मालूम मेरे को मालूम रे, अगर उतना डाउट है ना तो चलो मेरे साथ सिकंदराबाद, बता दो तुम लोगों को, मगर आठवा किराया तुम लोग का देना। सैम्यू ने कॉन्डोम पे जीता रे। तुम्हारी खत्म थी। शुरू शुरू में सिंबल अजीब दिखता, एक बार फेमस हो गया ना वही मस्त लगता। मेरी बात सुनो, लाइट लो जी। उतेज बोलता होता है। अब उठो, आज से कैनवेजिंग पे निकलेंगे, उसकी तैयारियां करना है, चलो। धेरो रे खाजा भाई, जरा माहौल को तो देखो। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है ना रे। ये टाइम को कौन रहता है यहाँ पे? ओ डो डो खाजा भाई को। अरे तुमला इलेक्शन में फिरे नहीं करे नहीं, इलेक्शनों में होता कैसा मांगते मैं बताता हूँ, पब्लिक को कैसा बाहर निकालना मेरे को मालूम। आओ उठा उठा। आओ उठा रू मारो ना तो आप। चलो आप सामने चलो। अब देखो पब्लिक को कैसा बाहर निकालता हूँ, रोटा पूछता हूँ, तुम देखो और सीखो। पहले वो घर में जाएंगे, आओ सीखो। अस्सलामुअलैकुम चिचा। अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते चिचा। वालेकुम सलाम, क्या है बोलो? खाना खा लिया चिचा? हाँ हो गया। क्या सालन खाए? बैगन का सालन खाया। बोलो क्या बात है? लंबे बैगन? गोल बैगन। काम क्या है बोलते या दरवाजा बंद करूं? एक मिनट चिचा, क्या कर रहा है यहाँ पे तू? वोट मांगने को आए, वोट मांगने चले जाएंगे। अरे डायरेक्ट मैटर पे आए तो बुड्ढे की हार्ट पे अटैक आता। तुम खामोश बैठो, मैं संभाल लेता हूँ। अच्छा अच्छा, देखो चिचा, आप गोल बैगन खाओ या लंबा बैगन खाओ, खाओ पियो कुछ भी करो, मगर वोट इस गधे को देना। अरे मैं आपको नहीं जी, अपने सिंबल को बोला, लाइट लो। अच्छा, वोट डालना, डाले तो डाले तो नहीं जीत जाते। जीत जाते, जीतने के बाद क्या करते वो बोलो पहले। अब आया देखो बुड्ढा लाइन पे। ठीक है चिचा, आपको क्या होना ब्रांड बोलो, मंगाता हूँ। हाफ बॉटल, फुल बॉटल, शराब, सिंधी, गुलंबा, बीयर ब्रांड, विस्की, रम, जिन लड़का। आप खाली ब्रांड बोलो, मैं मंगा देता हूँ। बुड्ढा मुंह पे थूक गया। तेरी वजह से उन्हें मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अरे उन्हें नमाजी दिख रहा तो कैसा पूछा है उसको? अरे बहुत बड़ा गुड़ है बुड्ढा, इन्हें क्या, इसके तीन के तीन बेटे बहुत बड़े पीवट है। तेरे को कैसा मालूम रे? अरे मैं खुद कई बार इनके घर में बैठ के पिया। क्या? अरे चलो भाई चलो। बुड्ढे तेरा काम बाद में करता हूं। भाई तुमला है बोल के बुड्ढा शर्मा रहा, अब थोड़ी देर ठहरो, फोन करके अपना ब्रांड बोलता। उसके घर में उसके तीन बेटे, उनकी तीन बीवियां, बुड्ढा, पूरी फैमिली मिला के 11 होता, समझो 11 होता तुम्हारी जेब में। वाह वाह खाजा भाई। उतेज बोलता। अरे सुल्तान अभी आया। अरे काहे पठे, आ गया? हाँ आ गया। वो सब छोड़, क्या बोला तू खाजा भाई को? क्या बोला? उस बुड्ढे के बारे में, उसकी शादी हुई। हाँ बच्चे है उसके। हाँ उन्हें बैचलर है। हाँ नहीं फिर शादी नहीं हुई उसकी? नहीं हुई। अब तेरे को बुड्ढे की शादी होना या काम के पैसे होना ये बोल। पैसे होना। उतज बात खत्म। ये ले पकड़। खाजा भाई रोते रोते दिए, तू हंसते से दिखाना उनको। वो जबरदस्त बताता हूँ, फिक्र नको कर। क्या बोल रहा हूँ, कल मिलेंगे? चलो भाई। ओके उस्ताद। क्या है रे ये,
खड़ा करा। ये है तेरा प्लान? अरे अपन लोगों का कचरा साफ करेंगे, इन्हें समाज सेवा कर रहे बोल के टीवी पे दिखाता करते। अच्छा, लोग देख के बोलते हमारे खाजा भाई कितने अच्छे। ऐसा यही छे मेरा प्लान बेटा जमाल सर। ओके ओके सर, एक्शन। ये देखिए इंसानियत का सच्चा नमूना छोटे खाजा भाई, जो अपने एरिया की गंदगी बर्दाश्त ना कर पाए, अपने साथियों के साथ अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। देखिए इनकी दरिया दिली, ये हैं सच्चे नेता। कैमरामैन जमाल के साथ मैं सुल्तान, टीवी फालतू। ओके वेल्डन सर, क्या एक्टिंग करे आप लोग? अरे वो एक्टिंग नहीं थी रे, साईं का झाड़ा तेरी माँ की। अरे सुल्तान कैसा निकाला, मस्त दिखना, सब लोग चौक जाना, क्या बोल रहा हूँ सर? क्या रे जमाल, सब ठीक है ना? रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया सर। क्या रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाया? वेरी गुड, कैसा करेंगे रे अब? क्या रे, पैसे देके पूरा कचरा साफ करना, मेरी इज्जत जा रही है यहाँ पे। मेरी भी इज्जत जा रही। ए, चुप, मेरा मुंह मत खुला। गुस्सा रे साले। भाई भाई रिकॉर्ड नहीं हुआ, और एक बार कर लेंगे ना भाई, प्लीज भाई। हो गया भाई, हो गया भाई, एक मिनट में हो जाता, रिकॉर्ड नहीं हुआ करते भाई, प्लीज। मैं हूं ना। ओके जमाल, ओके सही निकालो okay, साले। एक्शन। कैमरामैन जमाल के साथ मैं सुल्तान, टीवी फालतू। इसकी माँ की पूरे एरिया में ये जगह मिली रे, खतरनाक बुआरी। बेटा जमाल हो गया रिकॉर्डिंग? हो गया सर। अम्मा थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन सर। क्या हुआ जमाल? भूल गया सर, कैमरे का ढक्कन नहीं निकाला, काला आया। क्या आपने निकाला? भूल गया, भूल गया। तेरी माँ की आंख साले। रिकॉर्डिंग करने नहीं आया तो कहीं गया रे, सही निकाल साले ने, चीर देता हूँ। भाई प्लीज भाई एक बार पब्लिक के वास्ते, आपके वास्ते, आपके फ्यूचर के वास्ते भाई प्लीज, एक बार भाई प्लीज, आपके पेट में मुड़ डालता हूँ भाई, प्लीज भाई, भाई एक बार, ए चल भाई भाई, प्लीज प्लीज भाई, भाई भाई बस एक बार ना बस कर देंगे प्लीज भाई, कुछ खा लेंगे करेंगे ना। बेटा जमाल मौके बार बार नहीं आते, अच्छा चेक कर ले। ओके सर। एक्शन। ये हैं सच्चे नेता। कैमरामैन जमाल के साथ मैं सुल्तान, टीवी फालतू। कट। बेटा जमाल सर रिकॉर्ड हुआ? हाँ हुआ सर। और एक बार देख लेना बेटा। हाँ साहब पूरा देख लिया, इस बार 100% पक्का है। अम्मा थैंक यू खाजा भाई, चलते अब हम लोग, हमारा बाकी का पेमेंट दिला दो सर। क्या जमाल सब ठीक है ना? बैटरी में चार्जिंग खत्म हो गई सर। क्या चार्जिंग खत्म हो गई? कैसा करेंगे रे अब? तेरी माँ की। अब देख खाजा भाई तेरी फोन उतारता साले, अब देख तेरे अम्मा बाप तेरे घर में टीवी में देखते साले। अम्मा साले अम्मा 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 क्या एसिड भी नहीं थी सर। अब तुम लोग मेरा प्लान सुनो, हमेशा के जैसा इस बार भी हम पब्लिक को पटाएंगे और उनका दिल जीतेंगे, वही पुराना फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। भाई हम कैसा भी जीत जाएंगे, ये फिर पैसा खर्चा करके पब्लिक को गई को खुश करना, यही है मुन्ना पॉलिटिक्स। जिस दिन हम पब्लिक को दीवाना समझे तो यही पब्लिक हमारे को दीवाना समझ के घर में बिठा देती है। उनको हमेशा लगना चाहिए ये बड़े खाजा भाई आज भी बहुत अच्छे हैं। भाई मगर मेरे एक बात समझ में नहीं आई, खाजा भाई आप कोई भी एक बड़ी पार्टी ज्वाइन कहीं को नहीं कर लेते? अब तू अकलमंदी का सवाल पूछा,
अब तक 20 साल से कौन सी पार्टी एक साथ हुकूमत करी बोल? कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी। अगर मैं ये पार्टी में दाखिल हुआ और वो पार्टी हुकूमत में आई, वो पार्टी में जैन हुआ, ये पार्टी हुकूमत में आई, तो अपने काम नहीं होते। इसलिए हम सिर्फ पार्टियों को सपोर्ट करना, उसमें दाखिल नहीं होना, समझे? समझ गया भाई, क्या पते की कही भाई। वाह वाह, क्या बात बोले भाई। भाई छोटे खाजा क्या कैनवेसिंग कर रहा भाई? गधे का निशान लेके भाई गधे के वैसा फिर रहा। वो गधे की बात छोड़, अपने इलेक्शन की तैयारी करो। ठीक है भाई। भाई हाँ बोल। पार्टी ऑफिस तो अपन खोल दिए, आदमी आना शुरू हो गया ना, इंशाल्लाह देखना अपन जीत जाते। टेंशन की बात ही नहीं उस्ताद। अरे अरे क्या हुआ रे? अरे छोड़ रे, पकड़ उसको। अरे कड़ा पकड़। टॉप एंगल नीचे से ट्रॉली डालते हैं। अरे आप लोग कब आए? इन्हें कहाँ गया? अरे कमीने क्या कर रहे उसको, उन्हें ऐसा भागा? टाइम पास नहीं रहा, कुछ सुनाओ। क्या पूछा? उन बोला सुनाओ तेरी बीवी की शादी बोल के कहानी सुनाया। उसकी बीवी उसको याद आ गई शायद, इसलिए उन्हें भाग गया। उसको मैं क्या करूं? अरे कुत्ते साले भूतनी के पार्टी ऑफिस खोले से ज्वाइन होने एक आदमी आया था, उसको भी भगा डाला साला। मेरे हाथों से मौत है आज साले तेरी। अरे छोड़, आज बता दूं साले को। अरे उसको छोड़ो जी, अब क्या करना है पहले वो देखो। अब सोचो महल्ले की औरतों को कैसा पटा लेंगे, मेरा मतलब है कैसा अपनी तरफ बना लेंगे। 8 दिन से मोहल्ले में नल नहीं आ रहा करते, अगर टैंकर उनसे मंगा के दिए तो। कभी ने सो मंगाए तो पब्लिक ऑटो के वास्ते समझती। मंग के फायदा नहीं, कल नल्ला आ रहा है। देखो अब्बा क्या आइडिया है जी। सुनो अब 8 दिन से मोहल्ले में नल नहीं आ रहा, पब्लिक परेशान है, पानी की जरूरत है। नल हमेशा सुबह 8 बजे खुलता, तो हम लोग नल वाले को पटा लेके सुबह 4 बजे में खोलने लगेंगे। उसे क्या होता, पानी पूरा वेस्ट होता, नल वाले की कान फूटती। ये छह न जाने का कमाल, हम लोग महल वालों को उठाएंगे पानी और भर लो बोल के, वो लोग पानी भर के खुश हो जाते। ये 8 दिनों में वो जब भी पानी को देखेंगे बोलेंगे आई आपा, ये खाजा और उसके पट्टी अगर नहीं होते तो हमारे कितनी परेशानी होती थी अम्मा, बस ऑटोमेटिक हमारा नाम हो जाता ऐसा। यस मगर ये लोग नल वाले के पास जाके अगर पूछे इतनी सुबह कहीं को खोला रे, उन्हें अपना नाम बता देता ना रे। अरे नल वाले को पैसा खिलाएंगे, उसको बोलने लगेंगे कि मैं तो सो रहा था, कौन सी छोरे खोलेगी क्या नहीं की। तो भी ठीक है, अब तुम लोग आ जाओ, रात में खाना खा के फिर आ जाओ। हेलो जानी भाई, हाउ आर यू? क्या भाई नहीं दिख रहे? वो सब छोड़ बे गुड़, तेरे से काम था रे। रुको रुको रुको, मैं समझ गया, मिशन रूम की चाबी होना, रात पूरी रुक के सुबह में चले जाते, मगर ये मर्दों के साथ क्या करते? ऐसी बात नहीं है रे हौले। ठीक है, मेरे को क्या करने का है रे? इतनी रात को मशीन रूम में क्या कर रहा था रे? अरे दोस्तों साथ कभी कभी ऊपर आके 2 पैक मार लेते। लाइट ले जी, ज्यादा क्षमा आती थी। क्षमा नहीं रे बेवड़े, शमीम था वो। रे उन्हें क्या की क्षमा बोल रहा, तू क्या की शमीम? कौन है रे वो? हम लोग यहाँ पे नल खुलाने आए, मेरा पासपोर्ट बनाने नहीं आए जो तुम मेरी तीनगारी कर रहे। टाइम वेस्ट मत करो जी, तो मैटर समझाना। समझा रहा ना, देख फालतू 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 कंपनी। समझ गया? बहुत महल्ले वाले मेरी फोड़ दिए तो। अरे मेरे को नहीं मालूम, मैं सो गया था, कौन आवारा आके खुले क्या नहीं की, ऐसा बोल। मोहल्ले में आवारा बोला तो सबको अपने ऊपर शक जाता, और कौन है मोहल्ले में आवारे? रे महल्ले वाले हम लोगों को आवारा नहीं समझते।
कुत्ते समझते, तो इसलिए हम लोगों पे किसी को शक नहीं होता। क्या बोल रहा है? हम लोग कुत्ती है, तुम लोग आगे कुत्ती है बैगन। अरे छोटी छोटी बातों को दिल पे नपको लो जी। अच्छा चलो ठीक है, आप नहीं कुत्ते, हम लोग हैं बस। आप तो हमारे भाई है। कह रहे याद है ना 4 बजे का? पक्का? मैं सो गया तो नहीं उठता, तुम लोग आई उठा लेना। ठीक है उठाते, चलो चलो अंदर चलो। चल बे। खाजा भाई गधे को ओढ़ दो। ओढ़ दो, ओढ़ दो गधे को, ओढ़। ये क्या है रे साले, कौन गिरा नीचे मेरे को? साले शैतान की औलाद, सो जाओ रे, बोल तो नींद में पुकार रहा। ओढ़ दियो, मेरे खानदान को ओढ़ डाला रे पूरा गधे के ऊपर। कोई काम के नहीं है, खाली खाओ सो। खुद तुम्हारी माँ के जलील साले, खा रहे सो रहे साले, मेरा नाम ले रहे खाजा भाई गधा बोल रहे रे। सुबह बात करता हूँ साले तुम लोगों के साथ, खुदा लानत करे तुम्हारे को जलीलो। इतनी रात को कौन फोन करे रे? अरे कमीने, वाइब्रेटर पे अलार्म लगा दिया रे। 4 बज रहा इसमें भी 4 बज रहा। अरे उठो रे, अरे अरे समी। अरे पहले वाइब्रेटर से निकालता हूँ इसको। अरे समी, अरे उठ रे। खाजा गधे को वोट दो, गधे को वोट। अरे ओटा ओटा बाद में दे रे, जाने को उठा। पानी 4 बज गया रे, जाने उसके मुंह पे पानी डाल के उठा। रे ये कौन डाला रे, क्या पुकार रहा रे? 4 बज गए, चल उठ, उठा वालों को, 4 बजे नल खुलवाने जाना है। छोड़े उठो। क्या कान में तुम्हें भाई है? कौन गधा पानी डाला की रे? क्या बोला? अरे उठ रे, उठ चल यहां से रे, चल रे, चल चलो। अरे रशीद भाई, हम लोग जाके महले वालों को उठाते, तू जाके नल खुला। अच्छा भाई, देख उसको खाली उठा के बोलना नहीं, वो साला पीवटे फिट सो जाता। नल खोले तक साथ में रहे, क्या बोल रहा हूँ मैं? और सुन, नल खोलते मेरे को मिसकाल दे। अच्छा भाई, ठीक है, जा जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। चल चल चल। स्माइल, अरे जल्दी उठे। भैया उठ गए, आ रहे। क्या नाम है आपका? पाकिजा। आई लव यू। कौन है सलमा? तुम कौन है? नल खोलना है, भूल गए क्या? अरे हाँ, नल खोलना है। चलो चलो, तुम चलो, मैं कॉल करके आता हूँ। ठीक है। यादे क्या है? उठ, खाना लाया क्या? उठते खाना होना। चल भाई, भाई रशीद का मिसकाल आया, चलो लोग उठेंगे। चलो, तुम बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया। अरे नल में पानी नहीं आ रहा रे। अरे वो टैंक से आया था, टाइम लगता जी, आने के बाद जाएंगे। अरे यहाँ बैठे तो लोग शक करते जी अपने पे, लोगों को उठाएंगे। चलो चलो चलो, रे उठ रे, बुक कर, उठ चल। अरे क्या आधी रात को दिमाग खराब कर रहे जी? उस्मान भाई,
पानी आ रहा जी, उठो। फरजाना अक्का नल्ला सुनी ले तो खुद खाने को कुछ भी लाओ। अरे मोहिद्दीन भाई, अरे पानी आ रहा, उठो जी, तुम्हारी बीवी को भी उठाओ। अर्शिया, उसका मियां है। जिलानी भाई, जिलानी भाई, नला रहा पानी भर लो। जिलानी भाई आते खुद कुछ तो भी खाने। जिलानी भाई थोड़ दाल दे, चल खामोश। उस्मान भाभी, अमर भाई, पानी की बो भी नहीं आ रही। अरे कहाँ है रे इन? भारी बरसात में मिले रे। क्या जी खाजा भाई, पानी आ रहा बोल के सबको उठाए, कहाँ आ रहा पानी? लोगों की नींदा खराब करके क्या नाटका कर रहे? हौले कामा करने की भी कोई हद होती? दूध पीते बच्चे हैं, थोड़ी तो शर्म रखो। तुम दांत किससे धोती हो? कोयला। अखल नहीं है क्या? अरे हौले क्या है तुम लोग? सारा जी नल पागल हो गया, इसको निकाल दो। खाजा भाई, रात में वो रशी साला इस्माइल की बहन को पढ़ाते बैठा था। और ये साला इस्माइल नल नहीं खुल के बीच रस्ते में कहीं मिस हो गया होगा। पी लिया होगा फुल। साला नल खुलाओ बोले तो पोट्टी के साथ बैठा। आने दे कुत्ते को, आज उसका जनाजा नहीं निकला ना। मेरा नाम भी खाजा नहीं। सलाम अलैकुम भाई। सलाम अलैकुम। क्या पटपट आवाज आ रही? क्या बात है उस्ताद, सूरज चमक रही। रात का प्लान सक्सेस। आज मस्त पार्टी देना खाजा भाई। इन्हों आज कैसा भी तेरे को पार्टी देते रे, मगर साले तू रात में इस्माइल को उठा के नल खुलाया रे? खुलाया था जी, नल खोल के दो घंटे पानी पूरे हो गए तक वही बैठा। फिर इस्माइल की बहन को कौन पप्पिया ले रहा था रे? भाई वो ऐसा हुआ कि फिर कहीं कर रहा साले। अन्ना वो बड़ा खाजा मोहल्ले के पुट्टों को बांटने के लिए क्रिकेट के कीड़ा मंगाया करते। मैं भी सुना। तो महल्ले के जवान पुटे उसको सपोर्ट करते। यूथ का साथ नहीं रहा तो इलेक्शन कैसा जीतते? तो क्या करेंगे रे, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उन्हें करता, हमारे पास क्या है, घंटा। अरे पैसा नहीं जी, कुछ करना। अगर पूरे पैसे उसमें लगाए तो हमारे मेंटेनेंस का क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ करने सके तो उसको कुछ करने भी नहीं देंगे। क्या मतलब, मैं समझा नहीं रे। उसके क्रिकेट के किटा तबाह कर देंगे। अरे ये तो धोखा है ना रे। धोखा? अरे 20 साल से लोगों को डुबा के कमाया है ये। चाबी ला, चाबी ला, चाबी ला। कोई भी नहीं देख रहा। कोई भी चाबी नहीं लग रही रे। अरे दूसरा ट्राई करो जी। दिला, लग जा लग जा लग जा लग जा। ला रे चाबी, ला रे चाबी ला। अरे समीर उधर देखते रह रे तू। अरे जल्दी कर रे, पकड़ो। मेरा फोन नहीं है। अरे फोन देख, फोन देख, तेरा फोन देख। समीर तेरा फोन देख। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अरे जल्दी कर, जल्दी कर।
तेरा फोन देख रहे, बंद कर रहे। मेरा नहीं होता भाई। देख रहे स्कूल। अरे कौन है रे? बंद कर साले, बंद कर, बंद कर दे। कौन है रे उधर? कौन है रे? देख अरे आशिक, फोन बंद कर रे, बंद कर। कर रहा हूं, नहीं हो रहा भाई। कौन है रे उधर? भाई भाग ना, भाई भागो, 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 भाग। अरे भाग। अरे साले रुको, अरे रुको बे, अरे साले रुको, भागो। अरे यादी भाग रहे, भाग। अरे खाजा भाई कहाँ है? भागो। अरे अम्मा, अरे चोर साला रुको, अरे रुको रो, रुको, पीछे पड़ गया साला। रुक रे साले, ये ले, लगा साले को। अरे भाई, भाई। अन्ना को क्या हुआ? देखो भाई, भाई भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या भी नहीं पड़ा भाई, आ जाओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे भाई बहुत जल गया भाई। अम्मा ये तो लोगों को शका था रे, फिर टी शर्ट निकाल, जल्दी निकाल। उतार रे, क्या ना करे, करा उतार। ये सब तेरी वजह से हुआ साले। अरे जो भी हुआ छोड़ो जी, आ जा भाई, डालो जल्दी जल्दी ला। हां जल्दी डालो, आहिस्ता रे, काम बन गया। कहां चुप गए रे? अरे वाट बना रहा, चलो। मेरे पूरी चीजें बराबर है खाजा भाई, क्या हिम्मत करके उन चोरों को पकड़े जी? खाजा भाई तुम लोगों को मान लेना भाई। हाँ भाई मान लेना भाई। अरे क्या समझे हमारे खाजा भाई को, तब भगाए साले हम लोगों को। चोर कमीने, चोरी करके नहीं भाग रहे थे भाई। तू बात मत कर साले, चोरी करके झूठ बोलता, कान फोड़ता हूँ। अन्ना में फोड़ दिया। मिल गया साले चोरा। वो लोग चार पांच लोग थे, इन लोग दो ही थे, बाकी क्या कहा है? एक साले को पीठ पे चला दिया। ऐसा बोल रहे? बोल, बाकी के लोग कहा है? भागो रे साले भागो। ये लो तुम ही ले जाके लोगों को पुलिस के हवाले कर दो। चल। अरे वो भाग रहे, पकड़ो पकड़ो। अरे साले कहाँ भागता? अरे बुड्ढा चोरों को छोड़ जाएगा जी। अरे इतनी मेहनत करके पकड़ा तो भाग गया। ये बुड्ढा ये चोरा मिले हुए दिख रहे मेरे को। नहीं 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 नहीं, वाह खाजा भाई तुम लोग मान गए भाई। शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। मैं तारीफ का काम करके दिखाए खाजा भाई। शुक्रिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे रशीद तेरा लाल, अल्हम्दुलिल्लाह बाल बाल बच गए जानी। चल रहा उस्ताद भाई, बहुत जर रहा क्या भाई? बुड्ढा पीठ जल गई बोल के सबको बोला, अब तुम होशियारी से रहना, किसी को पता नहीं चलना तुम्हारी पीठ जल गई बोल के। क्या बोल रहा हूँ, आ जाओ उस्ताद। अबा क्या नाटका कर रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कई को क्या हुआ? वो नमूना टी शर्ट क्या है? अरे औरतों की तरह हम हमेच कपड़े बदल के आ रहे, क्या हो रहा आखिर? वो कल मैं ज्योतिष को हाथ दिखाया था, थोड़े दिन तक नंगा बदन किसको भी नको दिखाओ बोला, नजर लग जाएंगी बोला। अरे दबंग में सलमान के जैसा जिसम है क्या? ये जिसम को नजर लगती कहते नजर। क्या हो रहा कि क्या है कि क्या, तभी कर लो।
हाओ भाई, पूरे मोहल्ले में छोटे खाजा की टॉपिक चल रही भाई। हाओ भाई, हिम्मत करके रात में उन लोग चोरों को पकड़े बोल के मोहल्ले वाले उनकी इज्जत कर रहे भाई। ऐसा? फिर वो क्रिकेट किट्स के लिए कौन चोर आए थे? वो लोग इन लोग नहीं है तो फिर वो लोग कौन थे? मेरे को तो छोटे खाजा की गैंग पे डाउट आ रहा। देखो भाई, इतनी रात को वो लोग क्या करने गए थे वहाँ पे? सही बोले भाई, मेरे को भी उन लोगों पे डाउट है। हाँ भाई, ठीक है भाई, जो करा है बोल के लाइट लिए तो कुछ ज्यादा ही छोरा इन लोगों का। अब अगर हम खामोश बैठे तो लोग हमारे को लाइट ले लेते। इन लोगों का कुछ करना पड़ेगा। क्या कहा था भाई, रात में चोरों को पकड़ेगा तो ना? पूरा महल्ला सब बोल रहे, क्या डेयरिंग है बाप। अरे इनकी डेयरिंग तू क्या देखा, आदमी फौलाद है फौलाद। ऐसा क्या खाजा भाई, खैरियत? अल्लाह की दुआ से खैरियत से हूँ रे, खैरियत से हूँ, खैरियत से हूँ रे। वाह क्या शॉटा जी, दो ही मिनट में होटल में डरावना माहौल हो गया। यही बात जरा आहिस्ता बोल सकता था ना रे भाई? दो तीन लोगों के तो फुग्गे फूट गए होंगे बैगन। अरे खाजा, एक जमाने में तेरे को गाने गाने का बहुत शौक था बाप, अभी भी गा रहा क्या? खुद की बजरी तो गाना कहाँ से गाएगा आदमी? तेरी आवाज सुन के बहुत जमाना आ गया बाप, प्लीज एक गाना गाना बाप। अभीज अब अगर इनकी आवाज निकल गई ना, बहुत लोगों की बंद हो जाती। कई को उनको उंगली कर रहा है। इनको क्या हुआ? अच्छी बात है भाई, अभी तो मुड़ में नहीं है, बाद में आता हूँ। चलो कमीना। अरे चल रहे पार्टी, अभी जाएंगे चल। या बैठेंगे जी, लोग तारीफ कर तो मजा आ रहा। अरे साले मेरी पीठ जल के पराठा बन गई, तेरे को तारीफ की लगी रे? ये सब तेरा प्लान था ना कुत्ते? ऐसा मेरे प्लाना ले लेके तो तुम हीरो बने, नहीं तो बस्ती में क्या थे तुम? वैसा नहीं भाई, और एक चाय बोला पी के जाएंगे। थोड़ा सबर करो, हो गया बस। क्या कहा जा भाई, कल रात को चोरों को पकड़े थे वो कैसे? अरे क्या कहा जा भाई, छोड़ो 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 छोड़ो। अरे उन्हों रात में चोरों को सब पकड़े बोल के बता रहे? ऐसा उन्हें समझ गया, छोड़ो। बोले तो हो जाता था ना, बताना जरूरी है क्या? रही तू चाय लेके आजा, मैं जा रहा हूँ। भाई भाई मेरी बात सुनो भाई। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बकरे कुछ शेर के पास आए? नहीं नहीं साहब, ऐसा क्या हिम्मत है, क्या बात है बोलो। साहब वो शाम में पार्टी मीटिंग है साहब, तो उसके लिए सिक्योरिटी होना था साहब। काय को मीटिंग में मले का शराब आता रही क्या? नहीं साहब, हम लोग है तो बस्ती की पब्लिक आती ना साहब। अब तुम्हारी मीटिंग में पब्लिक? हाँ साहब। उनको कंट्रोल करना? हाँ साहब। इतनी पब्लिक आती? बहुत आती साहब। अच्छी बात है, एप्लीकेशन फॉर्म मार रख दो। ठीक है साहब, मैं देख लेता हूँ। ठीक है साहब। सलाम साहब। सलाम साहब, मैं वहां आ रहा हूँ ना, वहीं शुक्रिया अदा करना। चलो। अच्छा ओके साहब, सलाम। चलो मुझे शराब दे। मीटिंग अच्छा है, जबरदस्त है, इसमें अगर पब्लिक होती तो और भी अच्छा होता। सिक्योरिटी के लिए और 10 कांस्टेबल मंगाओ क्या? बुलाओ बोलो जी, सुनने को बोला तो भी रहते। नको साहब, ये सारा जानी 10,000 रुपए लेके गया, पब्लिक को लाता हूँ बोल के, अब तक पता नहीं। टायरो पैनिंग में देखता हूँ। वो देखो आ गया जानी। ये क्या है? बोला ना गड़बड़ नहीं करना, सीधा बैठो। सीधा वो नहीं रहने से सो गए हम लोग।
ए चुप चिकने ए गोरो बंदर कौन है रे ताजा है देखे तो मुंह में पानी आ रहा यही हमारे कबीले का सरदार है खामोश बैठो और तुम गुलाब बोले तो इन लोगों को लाया ये क्या तमाशा है रे तो क्या करूं जी शहर में इलेक्शन पीरियड चल रहा सब लगा उधर बुक है तो क्या पार्क में बैठ के दिन भर की वसूली का हिसाब कर रहे थे मोहित से उठा के ले गया वो भी कॉर्डर कॉर्डर पिला के हाँ तो लोग पी के है अभी लोग देखते हुए मैं कैसा बात करूँ रे अरे अपने को पब्लिक होना मैं जो लिख के दिया वो रट्टा मार लिए ना हो तो टाइम वेस्ट मत करो शुरू करो सब लोगों को सलाम अलैकुम अगर आप सब लोग मेरे को वोट दिए तो अरे चिकने वोट क्या रे सब कुछ दे दिया हूँ लेता क्या मैं अगर जीत गया क्या कर तुम बोले तो क्या करता रे क्या कर रहा बीच कर चल जा रहा हूँ मैं जाएंगे इसकी माँ की परेशानी मैं महल के हर आदमी को ऐसा इंसाफ दिलाता हूँ के दिलाता भी देता भी जल्दी करना बाबा तेरे को देख के तो बर्दाश्त नहीं हो रहा जल्दी कर अल्लाह मैं चुप जाता हूँ संभाल रहे इनको कान में दम हो गया बैगन की मेरी हार गए तो हार गए भाई मगर खुदा क्या से तुम ऐसा मत बटो अन्ना हारने का दर्द तो थोड़ा है रे मगर जो छोटा है ना वो दर्द ज्यादा सता रहा मेरी बीवी और तुम लोगों को छोड़ के पूरे महल्ले में एक भी वोट नहीं आए रे मैं हार गया रे ये साला जानी कहां है सुबह से आता पता नहीं है कहीं तो भाग गया होगा फोन स्विच ऑफ आ रहा है भाई उसका खाली पीली जोश में आके पूरा पैसा बर्बाद कर लिया अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा
क्या हो रहा लीडर साहब, मेरे को मुबारकबाद नहीं देते क्या? क्या पहलवान, बड़े बड़े बाता कर रहे थे, हवा उतर गई क्या? जान दो ना, छोटे खाजा भाई को छह वोटा मिले गए थे। आओ खाली छह वोटा मिले, छह वोट, ओफो, कोई मस्खरी बात नहीं है, छह वोट, छह वोट, मुबारक हो खाजा भाई, छह वोट। एक काम करो खाजा भाई, अब की बार तुम एमएलए के इलेक्शन को ठहर जाओ, ये इलेक्शन में पैसे पूरे खत्म कर दियो नो। अब क्या बचा इलेक्शन लड़ने के लिए? अभी तो दुकान खाली हो गई, अब घर बेच लेना शायद। अफसोस, अब तो दुकान भी बंद हो गए साड़ू साहब, आगे क्या करेंगे? एक काम करो, मेरे पास ड्राइवर की जगह खाली, काम करो, तनख्वाह भी बहुत अच्छी दे दूंगा, समझे? क्या बात बोले भाई। क्या हो रहा बादशाह जी, आपका वजीर नहीं दिख रहा? उन्हें तो कब किस भाग गया, चोर साला पूरा नंगा करके भाग गया, इनको उचकाया। देख लिए खाजा पहलवान, पहाड़ से टकराने का अंजाम, अपनी औकात में रहो वरना इससे भी बुरा अंजाम हो सकता है, समझे? कुत्तों का कितना भी बड़ा झुंड रहने दो, उनके लिए एक शेर ही काफी है। अब दोबारा ख्वाब में भी ख्याल आ गया ना खाजा भाई के खिलाफ ठहरने का, लुंगी के लिए हो जाना लुंगी। लगता है ये साला पागल हो गया। अरे जानी, अरे क्या हुआ रे? अरे क्या, तो भी मैं समझता था खाली हम लोग ही, मगर आज मालूम है इनके पास भी हौले भरे। अरे क्या बोल रहा है ये? इनका जो आदमी इलेक्शन कमीशन में था वो साला चिंदी, उसके साथ साथ ये लोग अभी चिंदी बन गया। जबान संभाल के बात कर, जबान संभाल के ही बात कर रहा हूँ। असल में तुम लोग अपने आदमी को इस्तेमाल करके हमारे को गधे का सिंबल दिला दिए और उशारी करके खुद घोड़ा ले लिए। हाँ, असल में वो ऑफिस वाला ही गलत इन्फॉर्मेशन दिया, दोनों का नाम खाजा होने की वजह से कंफ्यूज होकर सिंबल बदल दिया, वो गधे को घोड़ा दिया और हम लोग यही सिंबल समझकर अपने अपने एरिया में कैनवेसिंग करते हैं। करते गए। अरे समझ में जैसा बोल रहे? अरे समझाता हूँ ना जी, असल में घोड़ा हम लोगों को अलर्ट हुआ और गधा इन लोगों को, एक जैसा नाम रहने से किसी को शक नहीं हुआ। इतने दिनों तक ये लोग घोड़े को उड़ दो बोल के हमारी पब्लिसिटी करते रहे और हम लोग गधे को उड़ दो बोल के इनकी पब्लिसिटी करते रहे। हमारे कुछ छेप पड़े सोटा, हमारे कुछ पड़े, मगर सिंबल किसका? उसका। उसको 1700 उठा पड़े सो उसको पड़े, मगर सैंबल किसका? हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग जीत गए। तो गधा घोड़ा हो गया, जीत गए जीत गए, खाजा भाई जीत गए, जीत गए जीत गए, खाजा भाई जीत गए, जीत गए जीत गए, खाजा भाई जीत गए, जीत गए जीत गए, खाजा भाई जीत गए। एक मिनट जानी, अब तू सही बोल रहा रे? सही बोल रहा हूँ उस्ताद, खसम फालतू कंपनी की, मैं सीधा काउंटिंग ऑफिस से आ रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो टीवी खोल के देख लो, सुबह से तुम जीत गए बोल के दिखा रहा उस्ताद। बैगन की मेरी, हम जीत गए जीत गए, हम लोग जीत गए।
काजा भाई आप जीत गए। अरे मेरे को यकीन नहीं हो रहा रे, ये सब बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। पब्लिक मेरी सूरत देख के उड़ डाली, मैं रिपोर्टिंग के लिए जाऊंगा। अच्छा कैसे जाते, क्या बोल के जाते, ये पूछ रहा मैं। सिंबल गलत हुआ समझ के अगर तुम इलेक्शन कमीशन के पास गए तो तुम इतने दीवाने इतने साल से कैसा लड़े वो पूछेंगे। तुम तुम्हारी ये पब्लिक और ये गवर्नमेंट, कोई मानो या ना मानो, वोट हमारी तरफ आ गए। अब कुछ नहीं हो सकता, 5 साल तक हमारे खाजा भाई इस मोहल्ले के इस एरिया के कॉर्पोरेटर रहेंगे। ये सब बकवास है, ये कैसा होता मैं भी देख लेता हूं। कोई कुछ नहीं देखेगा, वो लोग सही बोल रहे हैं। एज पर इलेक्शन लॉ छोटे खाजा भाई जीत गए, अब वही चीज महल्ले के कॉर्पोरेटर हैं। यस, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम लोग ऐसी वैसी उठपटान हरकत करे ना, मुबारक ना मुबारक, तो मैं ऐसी डिफरेंट सजा देता हूँ। बजाओ, अब बजाओ। अरे बंद करो, जब इन्हों हार गए इनको हार की क्या जरूरत, हार देखिए घर जाके रोटियां बेल। अब बजाओ।